है हमारी 3D ड्रॉइंग स्टार्ट चुकी हो चुकी है। ऑटोकैड के अंदर 3D को स्टार्ट कर चुके हैं हम। यहाँ पर स्टार्ट करते वक्त आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूड टूल को। एक्सट्रूड टूल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारे ऑटोकैड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर एक्सट्रूड टूल का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर कोई भी ड्रॉइंग बनाते हैं, जैसे कि बात करना चाहूँ, देखिए अभी तक आपने देखा वो सारे क्या थे, 3D ऑब्जेक्ट्स थे। 3D ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने क्या बनाई थी, ड्रॉइंग बनाई थी, जिसके अंदर हमने बॉक्स को देखा, सिलेंडर को देखा, हमने कॉन को देखा, हमने पिरामिड्स को देखा, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखा। लेकिन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर काफी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमारे पास इनसे ऑब्जेक्ट से मिलकर नहीं बनते हैं। तब हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रेफरेंस लेते हुए हम यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो देखिए जाए बात की जाए यहाँ पर, तो एक्सट्रूड टूल्स आपके लिए उस समय हेल्प करता है जब आप यहाँ पर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट्स को, यस यहाँ पर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्सट्रूड टूल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी आपके पास 2D टूल्स है उसको 3D टूल्स में आप कन्वर्ट कीजिए। आपके पास चाहे लाइन हो, चाहे सर्कुलर शेप हो, चाहे आर्क हो या कुछ भी लाइन हो, आप उसे क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात की जाए एक्सट्रूड का मतलब ये यहाँ पर क्या है, किसी चीज को बढ़ाना है। और जैसे की बात करें यहाँ पर कि आपके पास कोई भी 2D ऑब्जेक्ट्स है, यस 2D ऑब्जेक्ट्स है, उसको आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड की बात की जाए यहाँ पर, इसका शॉर्टकट कमांड है XT एंटर। जैसे आप यहाँ पर XT एंटर करेंगे एक्सट्रूड कमांड इनेबल हो जाएगा। एक्सट्रूड कमांड इनेबल होने के बाद आप यहाँ पर सिंपल सा वर्क कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि एक्सट्रूड कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि एक्सट्रूड कमांड किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी जो ग्रिड है उसको हटा देता हूँ और जो इसका यहाँ पर मोड है वो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं सिंपल सा। तो अभी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे 2D वेवफॉर्म की जगह यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियलिस्टिक्स को यूज करेंगे और इसकी यूनिट को डिसाइड कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए UN एंटर किया यहाँ पर। UN एंटर करने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर डेसिमल, डेसिमल के बाद में यहाँ पर 0.0 कर दिया है और यहाँ पर कर दिया है सेंटीमीटर और ओके कर दिया। क्लियर, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सिंपल सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए हमने जब मॉल्डिंग को स्टार्ट किया था तो मॉल्डिंग के अंदर हमने बॉक्स को देखा, सिलेंडर को देखा, कॉन को देखा, स्पेयर को देखा, पिरामिड और यहाँ पर टॉरस को देखा। बट बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ से इन सभी ऑब्जेक्ट से मिलकर हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है। बट यहाँ पर बात करनी चाहिए यहाँ पर कि हमारे पास ऐसा एक 2D ऑब्जेक्ट है जिसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करना चाहूँ सिंपल सा, मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल सा सर्कल को ड्रॉ किया और मुझे यहाँ पर सिलेंडर की जरूरत है। देखिए सिलेंडर हम बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं बट मुझे एक इस तरह से सिलेंडर की जरूरत है जो यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं एक्सट्रूड कमांड का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। देखिए सिंपल सा यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। एक्सट्रूड कमांड के लिए EXT एंटर कर सकते हैं या फिर सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सा EXT एंटर करना है। EXT एंटर करते ही यहाँ पर एक्सट्रूड दिखेगा, एनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपके पास जो भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करें वो ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसे एक्सट्रूड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, आप कमांड विंडो में देख रहे हैं इसके पास यहाँ पर मोड ऑप्शन है। मोड ऑप्शन के बारे में भी देखेंगे कि मोड ऑप्शन होता क्या है यहाँ पर। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे देना है एंटरप्रेस। एंटरप्रेस करते देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट क्या है, वो आपको यहाँ पर हाइट देनी पड़ेगी। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को वन बाय वन देखने वाले। तो बेसिकली बात करता हूँ इसकी हाइट के बारे में, तो ये इसकी हाइट बना दी। बट आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो हम बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं बट यहाँ पर सिलेंडर के अलावा भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दू, देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के अलावा मैंने यहाँ पर लाइन डायग्राम के थ्रू, यस लाइन के थ्रू यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए एक्सट्रूड करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बन सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक और डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पर ऑर्थो को ऑन कर देते हैं, F8 के थ्रू ऑर्थो को ऑन कर देते हैं ताकि सारे जो डायग्राम है वो एक ही प्लेन में बने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर। और देखा जाए तो ये सारे का सारा क्या है, एक ही प्लेन में आपको शो हो रहा है। देखिए इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ऑर्थो मोड को इनेबल करते ही लाइन कमांड को यूज करना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही प्लेन में बने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे हम यहाँ पर सिंपल सा। पहले मैं यहाँ पर इसको ट्रिम कर देता हूँ, सिंपल सा ट्रिम कमांड लेता हूँ। तो ट्रिम कमांड का यूज किया यहाँ पर और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसको यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं। यस, बात करें यहाँ पर छोटी सी लाइन है, इसको ट्रिम कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबको ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल सा। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ज्वाइन कमांड का यूज करते हुए इन सभी को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, देखिए ज्वाइन क्यों किया गया इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर सिंपल सा ज्वाइन कर लीजिए। अब सिंपल सा मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड का यूज करना है। एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए फिर आप जिसको यहाँ पर जितनी इसको हाइट देना चाहते हैं वो उसकी इसका हाइट दे सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि एक्सट्रूड कमांड का किस तरह से यूज किया जा सकता है। अब जरा बात समझते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर जॉइंट कमांड को क्यों इस्तेमाल किया है। इन सभी जो डायग्राम बनाया था, जो भी मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया था, उनको यहाँ पर जॉइंट क्यों किया है, उसका पीछे रीजन क्या है। देखिए इसके पीछे रीजन बताना चाहूंगा यहाँ पर।
कि यदि आप यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड को ज्वाइन नहीं करते हैं तब आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो यहाँ पर एक आपके पास सरफेस प्लेन बनता है। बट जब आप इसे यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तब आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए किस तरह से बनता है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो सिंपल सा पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, लाइन कमांड का यूज करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। और एक बार रेक्टेंगल को ड्रॉ देखिए, यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा, क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। ओके, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। एक तो रेक्टेंगल हमारे पास ये हो चुका है, दूसरे रेक्टेंगल की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। तो सिंपल सा REC रेक्टेंगल का यूज करूंगा और रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया और यहाँ पर मैंने सेकंड कॉर्नर पॉइंट दिया, इस तरह से रेक्टेंगल बना लिया। देखिए दोनों रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में समझाना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट जो रेक्टेंगल आपसे जो बन रहा है वो यहाँ पर क्या है, आपके पास पॉलीलाइंस है, इसके अंदर जितने भी आपके पास लाइंस यूज की गई है वो सारी की सारी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है यहाँ पर, या फिर बोला जाए यहाँ पर एक बाउंड्रीज है। यस, बात की जाए यहाँ पर दूसरे रेक्टेंगल के अंदर, तो दूसरे रेक्टेंगल के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी की सारी क्या है, लाइंस यूज की गई है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो दोनों को एक्सट्रूड करने पर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब मैंने यहाँ पर सिंपल सा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लाइन टूल्स को यूज कर रहा हूँ तब यहाँ पर जो आपके पास एक्सट्रूड हो रहा है वो एक सिंपल सा एक प्लेन सर्फेस एक्सट्रूड हो रहा है। देखिए जरा एंट्री करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ओनली फॉर क्या हो रहा है, सर्फेस एक्सप्लोर्ड हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम पॉलीलाइन को एक्सट्रूड करते हैं सिंपल था, देखिए EXT एंटर किया यहाँ पर, EXT एंटर करने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और उसके बाद मुझे देखिए यहाँ पर एक्सट्रूड करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहे हैं इसको, देखिए EXT एंटर किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया यहाँ पर सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड एंटर हो रहा है। तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड वर्क करता है। देखिए यदि आपके पास सिंगल सिंगल यहाँ पर बाउंड्री कमांड के रूप में नहीं है, मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरी तरह से एक जॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 2D ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलने वाला है, एक सरफेस मिलने वाला है। और यदि आपके पास जॉइंटेड कमांड है, यदि आपके पास सारा जॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट बनने वाला है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर किस तरह से एक्सट्रूड कमांड को यूज करना है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड के अंदर और कौन कौन से टूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा REC रेक्टेंगल का यूज करूंगा और रेक्टेंगल कमांड के थ्रू यहाँ से एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं एक्सट्रूड कमांड को यूज करूंगा। एक्सट्रूड कमांड को यूज करते ही यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर मोड ऑप्शन देखा जाएगा। तो मोड के लिए सिंपल सा MO एंटर करना है, MO एंटर करते ही आपके पास मोड आ जाएगा। देखिए मोड आने पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो मोड है वो आपको पास सॉलिड लेना है या सरफेस लेना है। देखिए हमने एक तो तरीका देखा कि आपके पास यदि कोई ऑब्जेक्ट 2D में है और 2D ऑब्जेक्ट्स आपके पास जॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपके पास वहां पर क्या हो रहा है, सरफेस मिल रहा है। लेकिन यदि आपके पास 2D में जॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में भी आप यहाँ पर सरफेस ऑब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा सरफेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तब भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास बाउंड्री होगा या जॉइंट्स होगा, उसके बावजूद भी आपके पास क्या मिलने वाला है, सरफेस ही मिलने वाला है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि इस तरह से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो सिंपल सा REC एंटर करते हैं, रेक्टेंगल यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल और बना लेता हूँ यहाँ पर सिंपल सा। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फिर से एक्सट्रूड कमांड की, EXT एंटर किया, एक्सट्रूड कमांड के लिए, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर मोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिड मोड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिंपल सा सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले डायरेक्शन की, उसके बाद भी जा रही है पाथ के बारे में, उसके बाद है आपके पास टेपर एंगल के बारे में, तीनों के बारे में वन बाय वन समझते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर डायरेक्शन की, देखिए आप यहाँ पर हाइट देना चाहेंगे वो आप हाइट दे सकते हैं, बट यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए सिंपल सा डी एंटर करना पड़ेगा। देखिए डी एंटर करने के बाद आपके पास जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है और आपका जो एंडिंग डायरेक्शन है वो यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब आपके पास जो एक्सट्रूड करना है, जैसे आपने यहाँ पर अपवर्ड एक्सट्रूड करना है या फिर आपके पास डाउनवर्ड एक्सट्रूड करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका पास एंडिंग पॉइंट कहाँ देना चाहते हैं, जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड या एक्सट्रूड किधर भी आप जहां करना चाहते हैं वहां पर आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा और तो हटा देता हूँ और उसके बाद इस लाइन के अंदर डायरेक्शन के अंदर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जिस डायरेक्शन के अंदर आप करेंगे उस डायरेक्शन के अनुसार आपके पास क्या होगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। क्लियर? आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए EXT एंटर करना है, सिंपल सा एंटर करना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए डी एंटर किया यहाँ पर, देखिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसका यह दे दिया है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये दे दिया है, अब देखिए एंडिंग पॉइंट ऊपर की तरफ दे दिया, तो ऊपर की तरफ मेरा एक्सट्रूड हो चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से एक्सट्रूड करना है। फिर उसके बाद फिर से REC एंटर करता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर, और इस बार रेक्टेंगल की जगह सर्कल बना देते हैं, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज किया, सर्कल कमांड के थ्रू यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया यहाँ पर सिंपल सा और सर्कल बना दिया। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्सट्रूड कमांड के अंदर क्या है। देखिए EXT एंटर किया यहाँ पर, EXT एंटर करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है,
तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए बात की जाए यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में सीखा हमने यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर टेपर एंगल के बारे में, फिर समझेंगे यहाँ पर पाथ के बारे में। ठीक है, टेपर एंगल का मतलब बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए जब हमने यहाँ पर पिरामिड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो पिरामिड ऑब्जेक्ट या फिर मैं बात करूं यहाँ पर जब हमने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के बारे में, बॉक्स ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, या फिर हमने पिरामिड का ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, या फिर मैं बात करूं सिलेंडर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, तब हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पर फ्रस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। फ्रस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो ऊपर वाला जो यहाँ पर शेप होता है, या फिर आपके पास डाउनवर्ड जो शेप्स होती है उसके यहाँ पर आप कुछ एंगल्स के अंदर शेप कर रहे थे, मतलब आपके पास उसे ट्रिम कर रहे थे या फिर आप उसे यहाँ पर एंगल दे रहे थे। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रैपर एंगल भी वर्क करता है। ट्रैपर एंगल भी आपके पास क्या करता है कि आपके पास जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, इस सिलेंडर को शेप देनी है मुझे यहाँ पर ग्लास के शेप में, यस सिलेंडर को ग्लास के शेप में देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ट्रैपर एंगल का यूज करूंगा। देखिए ट्रैपर एंगल का यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी एंटर करना पड़ेगा। टी एंटर करने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पर एंगल देना है, सिंपल सा जितना मुझे एंगल देना है मैं उतना एंगल दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखिए सिंपल सा अभी जैसे एंगल मैं बढ़ाता जा रहा हूँ कम करता जा रहा हूँ तो उतना एंगल कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लास के अनुसार। देखिए यहाँ पर तो इसका एंगल देखिए मैं यहाँ पर 27 फिक्स कर देता हूँ। 27 फिक्स करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसकी हाइट देनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट दे सकता हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने इसकी हाइट दे दी और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे को जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू के अंदर देखने पर मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर कि आपके पास जो ऊपर से ऑब्जेक्ट दिखेगा वो यहाँ पर क्या दिखेगा, थोड़ा सा छोटा दिखने को मिलेगा। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है टैपर एंगल। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पे पाथ के बारे में कि पाथ किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर। ओके, देखिए बात करते हैं यहाँ पर पाथ के बारे में कि पाथ किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल का यूज करूंगा, आरईसी यहाँ पर एंटर करता है, आरईसी एंटर किया यहाँ पर। आरईसी एंटर करने के बाद अब जरा यहाँ पर बात करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पर देखिए मैं एक पाथ देने वाला हूँ स्पेसिफाई लाइन से, तो एसपी लाइन यूज करूंगा, एसपी लाइन यूज करूंगा यहाँ पर। एसपी लाइन यूज करते हुए मैं यहाँ पर एक पाथ दूंगा यहाँ पर सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं एक पाथ देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहां से एक पार्ट ड्रॉ किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने एक पार्ट ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए ये जो पाथ हो रहा है आपके पास उसी प्लेन में हो रहा है, बट हमें यहाँ पर देखिए इसके पाथ को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा पाथ को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाथ को यूज चेंज करूंगा, एसपी लाइन को यूज करूंगा, एसपी लाइन को यूज करते हुए। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे पाथ को स्टार्ट करूंगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पे पाथ को स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया, सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया। ओके, तो ये मेरा पाथ हो चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमने पाथ दिया है, इस पाथ के अलावा यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक्सट्रूड होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा, एक्सटी एंटर किया यहाँ पर। एक्सटी एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन, पाथ या टेपर एंगल। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर पाथ के बारे में डिस्कस करने आऊंगा कि पाथ के यहाँ पर किस तरह से एक्सट्रूड करना है यहाँ पर। तो सिंपल सा देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने एक पाथ को चूज कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक्सटी एंटर करूंगा यहाँ पर। एक्सटी एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास जो पाथ है, इस पाथ के बारे में हमारा जरूर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो प्लेन है, यहाँ पे जो हमने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है, जो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, वो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और जो मैंने पाथ लिया है वो यहाँ पर जेड एक्सिस प्लेन के अंदर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास प्लेन सेम हो जाता है, यदि आपके पास पाथ का प्लेन सेम हो जाता है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपके पास नहीं बनेगा, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पाथ का जरा ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले में देखा आपने कि यहाँ पर जो पाथ था वो यहाँ पर क्या था, सेम प्लेन का था, इस वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था। यदि आपके पास पाथ यहाँ पर सेम प्लेन में होगा तब यहाँ पर एक्सट्रूड नहीं होगा, आपका जो पाथ होगा वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट यहाँ पर एक्सिस के अंदर होगा तभी यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे जो पाथ देख रहे हैं वो आपके पास क्या है, जैसे कि जेड एक्सिस के अंदर आपके पास पाथ है और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब आप यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर पाथ के लिए, तो पाथ के लिए मुझे पी एंटर करना है। पी एंटर करने के बाद आपके पास जो भी पाथ है उस पाथ को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करना है और किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। पाथ के बारे में एक बार फिर से समझा देते हैं यहाँ पर सिंपल सा। देखिए पाथ के बारे में समझने के लिए आपके पास सिंपल सा क्या करना है, अगर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा है, एक काम करते हैं यहाँ पर इलिप्स बना लेते हैं। इलिप्स बनाया मैंने यहाँ पर। ओके, इलिप्स के लिए यहाँ पर मैंने सेंटर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो भी एक्सेस देनी है वो आपके एक्सेस दे दीजिए, और जिस तरह से आपको इलिप्स बनाना है उस तरह से आपके पास जो इलिप्स है वो यहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ F8 का यूज करते हुए, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर दे देते हैं सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे सिंपल सा पाथ देना है, तो मैं जिस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना चाहता हूँ उस पाथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एसपी लाइन का यहाँ पे यूज करते हैं, एसपी लाइन का यूज करते हुए इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ से मैं एक पाथ को डायरेक्शन को दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक पाथ को डायरेक्शन को दे रहे हैं।
किस तरह से दे रहे हैं आप जरा देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया ओके और एंटर प्रेस कर दिया, सिंपल सा। अब जरा देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका जो प्लेन है वो दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लेन आपके पास कुछ और है और आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर कुछ और है। सिंपल सा मैंने एक्सट्रूड कमांड का यूज किया, एक्सट्रूड के लिए एक्सटी एंटर करना है, एक्सटी एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको जो पाथ है वो पाथ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पी एंटर कर लिया यहाँ पर सिंपल सा, तो पी एंटर करने के बाद पाथ स्टार्ट हो चुका है। पाथ स्टार्ट करने के बाद जो भी आपका पाथ है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए अभी जो आपके पास पाथ है वो यहाँ पर आई होप सो सेम प्लेन के अंदर नहीं है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके पास नॉट सेलेक्टेड है। लेकिन यदि आपका पास जो पाथ है वो यहाँ पर सेम प्लेन के अंदर अपोजिट प्लेन के अंदर होगा तभी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वर्क करेगा। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, एक्सट्रूड कमांड के अंदर पाथ वर्क आपके पास तभी करता है जब आपके पास प्लेन आपके पास दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। आपका जो पाथ है उसका प्लेन प्लस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन आपके पास सेम नहीं होना चाहिए। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का वर्क किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर पाथ का यूज किया जा सकता है और किस तरह से आप किसी भी आपके पास 2D ऑब्जेक्ट्स है, यस बेसिकली बात की जाए एक्सट्रूड कमांड का यूज जो आपके पास होता है वो यहाँ पर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के अंदर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करने कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर आपके पास कोई भी 2D ऑब्जेक्ट बनाइए आप, जैसे यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सा सर्कल यूज करता हूँ, यस सर्कल का यूज किया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं, सिंपल सा रेक्टेंगल का यूज करके यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर फिर से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके अब यहाँ पर सिंपल सा देखिए ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, TR एंटर करते हैं, TR एंटर करने के बाद ट्रिम कमांड इस्तेमाल हो चुके हैं और इसके बाद जो जो आपके पास ट्रिम करना है वो आप यहाँ पर ट्रिम कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको ट्रिम करना है, इसके बाद करूँ यहाँ पर ये ट्रिम करना है, उसके बाद बात करें ये ट्रिम हमें करना है, बेसिकली बात करें तो ये भी हमें ट्रिम करना है और ये बात करें तो ये भी हमें ट्रिम करना है और सिंपल सा ये भी ट्रिम करना है और ये भी ट्रिम करना है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर ट्रिम करना है। तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का वर्क करना है। सिंपल सा यहाँ पर एक्सटी एंटर कर सकते हैं और एक्सटी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और किसी भी आपके पास जो 2D ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर रिवॉल्व टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है REV एंटर। जैसे आप यहाँ पर REV एंटर करेंगे रिवॉल्व कमांड इनेबल हो जाएगा। देखिए रिवॉल्व कमांड का इनेबल करने का मतलब यहाँ पर देखिए रिवॉल्व कमांड का बेसिकली मतलब बताना चाहूंगा यहाँ पर रिवॉल्व कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए रिवॉल्व कमांड आपके पास ओपन ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्लोज ऑब्जेक्ट दोनों के अंदर यहाँ पर वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पर यदि आप यहाँ पर क्लोज ऑब्जेक्ट का चूज करते हैं तो यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट बनता है, यदि आप यहाँ पर ओपन ऑब्जेक्ट का बनता है तो यहाँ पर सर्फेस ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर रिवॉल्व का यहाँ पर वर्क कहाँ पर होता है उसके बारे में बात की जाए। यहाँ पर यदि आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, यदि आप चाहते हैं उसका जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रोटेटिंग के अंदर यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। रोटेटिंग के अंदर 3D ऑब्जेक्ट का बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाया, अब आप चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स है आपके पास पूरी तरह से रिवॉल्व हो और यहाँ पर आपके पास 360 डिग्री के अंदर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर बनना चाहिए तो यहाँ पर रिवॉल्व ऑप्शन का यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देखिए रिवॉल्व ऑप्शन आपके पास यहाँ पर किसी भी टाइप का जो स्ट्रक्चर्स होता है 2D स्ट्रक्चर्स उसको यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर एक्सेस देंगे उस एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर आपके पास रेडी हो जाएगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि रिवॉल्व ऑब्जेक्ट किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को किसी को ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए बेसिकली बात करें रिवॉल्व ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ यूज होने वाला है, जब आप यहाँ पर कप या प्लेट्स के जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास रिवॉल्व ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर रिवॉल्व ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज करना है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर देखिए मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि एकदम क्लोज स्ट्रक्चर्स होने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पर एक काम करते हैं F8 इनेबल कर देते हैं और F8 को इनेबल करते हुए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सिंपल सा देखिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सिंपल सा। ओके यहाँ पे रैंडमली एक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो ड्रॉइंग है उसको यहाँ पे कम्प्लीट करते हैं। एक काम करते हैं रेफरेंस लाइन यहाँ पर इनेबल कर दिया है मैंने यहाँ पर। ओके और इस रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर मैंने क्या किया है ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके ओके मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जो कि लगभग देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ओके जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से बीच में से ट्रिम कर दूंगा ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्स में। ओके अब एक का बेसिकली बात करें यहाँ पर ट्रिम कमांड का यूज कर रहे हैं। ट्रिम कमांड का यूज करते हुए जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर हम डिलीट कर। क्लियर ओके यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसको आप यहाँ पर यूज करेंगे रिवॉल्व कमांड के थ्रू के रिवॉल्व कमांड के थ्रू किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है
रैंडमली एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इन सभी को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन कमांड के लिए जी एंटर करूंगा। जी एंटर करके मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, यस यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन सभी को सिलेक्ट किया। सॉरी यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा जी कमांड यूज करना है, ज्वाइन कमांड का यूज करना है। ज्वाइन कमांड का यूज करते हुए आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। यस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रह चुका है उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक पॉलीलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और एक यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर्स बन चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर रिवॉल्व कमांड का यूज करना है। रिवॉल्व कमांड का यूज करते हुए इसको पूरी तरह से एक रिवॉल्व करना है, इसके एक्सेस एंड के तक यहाँ पे इसको रिवॉल्व करना है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनता है वो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बनाना है, बेसिकली बात की जाए। तो अब यहाँ पर रिवॉल्व कमांड किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो देखिए आपके पास यहाँ पर रिवॉल्व कमांड देखने को मिलता है, एक्सक्लूड लोफ और यहाँ पर आपको मिलता है रिवॉल्व। रिवॉल्व के थ्रू क्या करते हैं, आपके पास जो भी स्ट्रक्चर्स बॉडी है 2D के अंदर आप उसे प्रॉपरली रिवॉल्व करके यहाँ पर 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से यहाँ पर रिवॉल्व कमांड को यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं REV एंटर करेंगे। यस REV एंटर करेंगे तो आपको रिवॉल्व कमांड मिल जाएगा और उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करना है। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है या फिर आपसे पूछा जाएगा मोड। देखिए मोड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो तरीके के मोड देखने को मिलेंगे, एक तो होगा सॉलिड और दूसरा होगा सरफेस। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड के लिए, तो यहाँ पर सॉलिड को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर एक्सेस कौन से देना चाहते हैं, जैसे आप यदि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर रिवॉल्व करना चाहेंगे या फिर वाई एक्सिस के अंदर करना चाहेंगे या फिर आप यहाँ पर जेड एक्सिस के अंदर लॉन्ग करना चाहिए या फिर आप ये वापस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जैसा कि मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक्सेस दे दी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस दे दी है। एक्सेस देने के बाद ओके मैंने क्या किया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर सिंपल सा इसको एक्सेस दे रहा हूँ, तो यह मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पर और इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ग्रिड को यहाँ पर हटा देता हूँ और ग्रिड को हटाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास रिवॉल्विंग स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स है मुझे यहाँ पर कितने डिग्री एंगल के साथ रखना है वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर 90 डिग्री के लिए रखना है तो 90 डिग्री रख सकता हूँ, 360 डिग्री के लिए रखना है 360 डिग्री के लिए रख रहा हूँ। अपनी जो इच्छा है वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा यहाँ पे प्रॉपरली 360 डिग्री के लिए रखना चाहता हूँ तो 360 डिग्री एंटर करूंगा और उसके बाद मैं सिंपल से एंटर करूंगा तो मेरे पास 360 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिवॉल्व हो जाएगा। क्लियर। आई होप सो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर रिवॉल्व का यूज करना है और रिवॉल्व का यूज करते हुए आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिवॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको रिवॉल्व कर। क्लियर। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे किस तरह से रिवॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है और किस तरह से रिवॉल्विंग की जा सके उन सभी के बारे में देखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपके पास सिंपल सा आपके पास एक कप ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे किसी कप को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सर्कल कमांड का यूज कर रहा हूँ। सर्कल कमांड का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे क्या करूँ, एक सिंपल सा सर्कल का यूज कर लिया। सर्कल का यूज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल से एक कप को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे कप को ड्रॉ करूंगा, कप किस तरह से ड्रॉ होने वाला है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कप को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर आर कमांड का भी यूज कर सकते हैं या फिर बात करें यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर किसी भी टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल कमांड का यहाँ पे यूज किया। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन कमांड का यूज करता हूँ। लाइन कमांड का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कप है वो ऊपर से यहाँ पे हाफ चाहिए, मतलब हमें आपके पास जो कप होता है वो आपके पास क्या होता है, सेमी स्पेयर होता है। यस हेमी स्पेयर होता है और हेमी स्पेयर से आपके पास जो कप होता है वो यहाँ पर आपके पास ड्रॉ होता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा। ओके यहाँ पे मेरा कप बन चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पर जो भी आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर एक और यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज करते हुए एक और सर्कल बनाऊंगा। यस सर्कल कमांड का यूज करते हुए एंटर सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पे कहीं जाके जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके एक्सेस लिए, इस एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। क्लियर। ये मैंने एक और सर्कल बना लिया है। उसके बाद फिर से मैं एक लाइन कमांड का यूज करूंगा और उसको फिर से बीच में कट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको कट कर दूँ। ओके क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ लाइन कमांड के थ्रू। तो लाइन कमांड का यूज किया यहाँ पर और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए मैंने यहाँ से इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन को ज्वाइन कर लिया। सिंपल से यहाँ पर आप जहां जिसको ज्वाइन करना चाहेंगे वहां इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। क्लियर। ओके अब जरा बात करते हैं यहाँ पर जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन चुके हैं उसको आप यहाँ पे बेसिकली ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक लाइन कमांड का यूज करते हैं और जो मेरे को ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और जहां से जहां तक मुझे ट्रिम करना है वहां से मैं इसको ट्रिम कर लूंगा और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास बच जाएगा, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कमांड का यूज कर रहा हूँ, ट्रिम कमांड को इनेबल कर रहा हूँ, और एंटर करते हुए जो जो चीजें मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं उसको ट्रिम कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये एक्स्ट्रा, इसको ट्रिम कर दिया है यहाँ पर। बेसिकली बात करें तो मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। ऊपर वाली जो लाइन है वो भी नहीं चाहिए तो मैंने उसको भी ट्रिम कर लिया है बेसिकली। यस, बात करें यहाँ पर नीचे के अंदर बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। बात करें इसको भी मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपने आप में एक तरीके से यहाँ पर ब्लैंक हो चुके हैं, तो मैं उसको भी यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ। क्लियर, जो मुझे नहीं चाहिए मैंने उसको सभी को ट्रिम कर दिया। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा रहा है। ओके, अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स है उन सभी को यहाँ पर डिलीट करता हूँ। जैसे मुझे भाई ये ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, डिलीट कर दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर ये भी लाइन एक्स्ट्रा है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है, सिंपल सा। और ये भी लाइन एक्स्ट्रा है, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी क्या कर दिया यहाँ पर डिलीट कर दिया। क्लियर, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर रिवॉल्व कमांड किस तरह से यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर रिवॉल्विंग का यूज करना है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे यहाँ पर रिवॉल्व के लिए, यहाँ पर रिवॉल्व को चूज करेंगे। रिवॉल्व को चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मोड कौन सा लेना है, तो अब यहाँ पर सरफेस को लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो आपके पास एकदम होलो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो आप यहाँ पे सर्फेस को चूज कीजिए। तो सर्फेस को मैंने चूज कर लिया। उसके बाद जो भी आपको सर्फेस को चूज करना है, जैसे मैंने इस सर्फेस को चूज किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर सिंपल सा रिवॉल्विंग आपके पास एक्सेस पूछी जा रही है, तो मैंने सिंपल सा ये आपके पास जो रिवॉल्विंग एक्सेस है वो नहीं यहाँ एंटर कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया 360 डिग्री के लिए ज्वाइन कर दिया, 360 डिग्री के लिए ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर मुझे रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर आरईवी एंटर करूंगा। आरईवी एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट करना है मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस करना है सिंपल सा। आपका जो एक्सेस है वो एक्सेस आपको रोटेट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे इस एक्सेस का लॉन्ग रिवॉल्विंग कराना है, मैं इसको रिवॉल्विंग करा चुका हूँ 360 डिग्री के लिए रिवॉल्विंग कराऊंगा, 360 डिग्री के लिए एंटर करा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मुझे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी रिवॉल्व कराना है, तो आरईवी एंटर करेंगे सिंपल सा। आरईवी एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, और किस एक्सेस के लिए करना है मुझे यहाँ पर, पहले यहाँ पर एक्सेस देना पड़ेगा, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर इस एक्सेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद एक्सेस दे देता हूँ 360 डिग्री और एंटर प्रेस कर देता हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर मेरा जो ये कप है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बेसिकली बात करें इसके ग्रिड को हटा देते हैं और उसको यहाँ पे मूवमेंट करा के देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे कप बना है। तो यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास कप बन चुका है। यस, बात करें देखिए आपके पास यहाँ पर होलो कप बन चुका है। यस, देखिए जरा यहाँ पर ये आपके पास होलो कप बन चुका है यहाँ पर। बेसिकली बात करें देखिए आपके पास यहाँ पर होलो कप बन चुका है। इस होलो कप इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा रिवॉल्विंग कमांड किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। देखिए रिवॉल्विंग कमांड के थ्रू आपके पास जो भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिवॉल्व करवा सकते हैं बेसिकली, और उसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ रिवॉल्विंग कमांड का यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा आपके पास रेक्टेंगल बना लेता हूँ, लेफ्ट सेवन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद देखिए सिंपल सा आप रिवॉल्विंग कमांड के ऊपर जाएंगे। रिवॉल्विंग कमांड के बाद जाने के बाद अब जरा यहाँ पर बात चलते हैं मोड के ऊपर। तो मैंने मोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सॉलिड के ऊपर क्लिक किया। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एंटर प्रेस करना है। देखिए एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करें। तो अभी आपके पास पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग कराना है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग कराना है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्विंग कराना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवॉल्विंग करा सकते हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वहाँ पर चूज करेंगे तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आप जिसके ऑब्जेक्ट है वहाँ पर रिवॉल्विंग करना चाहेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल से एक लाइन कमांड को चूज करूंगा यहाँ पर, और लाइन कमांड को चूज करते हुए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे रिवॉल्विंग का यूज कर रहा हूँ। रिवॉल्विंग के लिए एंटर किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, मैंने जिस ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया यहाँ पर। उसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अगर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे मैं 360 डिग्री एंटर किया और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर रिवॉल्विंग बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर जिसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, होलो बन रहा है। मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं रिवॉल्विंग के लिए, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिवॉल्विंग हो रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से रिवॉल्विंग कमांड का यूज करना है। बहुत ही सिंपल कमांड है, इसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर आप जो भी एक्सेस को चूज करते हैं, जिस एक्सेस को चूज करते हैं उस एक्सेस के अकॉर्डिंग आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिवॉल्विंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर सिंपल से एक पॉलीगन्स ले लेते हैं, और पॉलीगन्स को ड्रॉ करने के लिए सिक्स साइडेड पॉलीगन्स को चूज किया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, इंस्क्राइब द सर्कल जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा। यस, रिवॉल्विंग के लिए आरईवी एंटर कर रहा हूँ, सिंपल सा आरईवी एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। आरईवी एंटर करने के बाद रिवॉल्विंग चूज कर लिया मैंने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, एंटर प्रेस किया है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किस एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ पर रिवॉल्विंग कराना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया एक्स एक्सेस के अलॉन्ग रिवॉल्विंग करना चाहूंगा, एंटर प्रेस किया यहाँ पर, तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ पर रिवॉल्विंग हो चुका है। जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो ये जो आपके एक्स एक्सेस है वो यहाँ पर एक्स एक्सेस कहाँ पर है, या आपके जो रेड लाइन दिख रही है वो आपके पास एक्स एक्सेस है। जरा देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे एक्स एक्सेस कहाँ पर है आपके पास,
उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग करा रहे हैं, और उसके बाद जितना आप डिग्री एंगल रिवॉल्विंग कराना चाहेंगे उतना रिवॉल्विंग हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 360 डिग्री रिवॉल्विंग करा रहा हूँ, और 360 डिग्री रिवॉल्विंग हो चुका है, और आपके पास इस तरह से एक रिंग बन चुका। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से रिवॉल्विंग टूल का यहाँ पर यूज करना है। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या है, आरईवी एंटर है। जैसे ही आप यहाँ पर आरईवी एंटर करेंगे रिवॉल्विंग कमांड इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवॉल्विंग। देखिए अभी तक हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट चल रहे थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वैप टूल्स भी आपके पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो भी यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर ये जो वर्किंग करते हैं ये आपके पास एक अकॉर्डिंग टू पाथ के अंदर वर्किंग की जाती है। जैसे बेसिकली बात करें, इससे पहले जितने भी हमने ऑब्जेक्ट देखे थे, जितने भी ऑब्जेक्ट कन्वर्टर देखे थे यहाँ पर, जो हमारे पास 2D टू 3D में कन्वर्ट कर रहे थे, वहां पर हम क्या कर रहे थे, एक पाथ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर रैंडमली कर रहे थे या फिर किसी एक्सेस के अलोंग कर रहे थे। लेकिन स्वैप टूल्स यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, केवल आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर जो पाथ होगा उस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, वर्क करने वाला है। देखिए बेसिकली इसके बाद जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर स्वैप एंटर है। जैसे आप यहाँ पर स्वैप एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्वैप कमांड इनेबल हो जाएगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड को जरूर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वैप कमांड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बना रखे हैं जिनका हम स्विफ्ट बस के थ्रू से यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करने वाले। देखिए उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास जो रिवॉल्व है उसके जस्ट नीचे आपके पास स्विफ्ट टूल्स दिखेगा, स्विफ्ट टूल्स को यहाँ पर इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको आप यहाँ पर स्विफ्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर स्विफ्ट करना है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। यस देखिए बेसिकली बात करें तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन को देखें यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है अलाइन, उसके बाद है बेस पॉइंट, सेलेक्ट स्केल और यहाँ पे ट्विस्ट। लेकिन उससे पहले आपके पास पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे स्वीप पाथ क्या देना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर पाथ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पाथ एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पाथ को यहाँ पर एंटर कर लिया है, तो इस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए आपके पास जो पाथ है वो कुछ और एंगल्स के किसी और टाइप्स में था, तो उस पाथ के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर स्विफ्ट टूल्स का यहाँ पर यूज करना है। ओके अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करें। इसको कर देते हैं डिलीट। तो देखिए यहाँ पर बात करें हमारे पास जितने भी टूल्स है इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात करने जो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा पाथ के अंदर किस तरह से यहाँ पर स्विफ्ट की जा सकती है। ओके तो यहाँ पे सिंपल सा SWEEP यहाँ पर एंटर करेंगे तो स्विफ्ट टूल्स इस्तेमाल हो जाएगा आपके पास। सिंपल सा सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास पूछा जा रहा है मोड। देखिए मोड के अंदर बात करें तो अभी आपके पास सॉलिड मोड है, आप इसे सरफेस मोड के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं। सरफेस मोड क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर लाइन है उसको जो आपके पास जो पाथ है उस पाथ को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो पाथ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो सारा का सारा आपके पास क्या बनने वाला है, होलो ऑब्जेक्ट बनने वाला है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर होलो ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। क्लियर अब समझते हैं यहाँ पे स्विफ्ट टूल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करें, जितने भी हमारे पास टूल्स हैं यहाँ पर उन सभी के बारे में डिस्कस करें। उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया, उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा एसपी लाइन का यूज करूंगा यहाँ पर। ओके एसपी लाइन का यहाँ पर यूज करें, एसपी लाइन का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास ऑर्थो मोड इनेबल्स है, यदि मैं ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देता हूँ, यस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसी प्लेन के अंदर एक लाइन लेता हूँ और इसी प्लेन की लाइन को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस प्लेन की लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो एक मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट लूंगा ताकि मेरे पास और भी यहाँ पर टूल्स है उन सभी को यहाँ पर समझते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर मैंने एक बार और फिर से बॉक्स लिया है, यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर एसपी लाइन का यहाँ पर यूज किया। एसपी लाइन का यूज करते हुए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इस बार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो बनाने जा रहा हूँ। क्लियर ओके जरा समझते हैं यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ओके तो मैंने यहाँ पर इसके पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके अब जरा बात समझते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे वर्क करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जो अच्छा स्केच बने यहाँ पर। ओके तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ स्मॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके एंटर कर देता हूँ। क्लियर अब जरा समझते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास जो अगला ऑप्शन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा SWEEP यहाँ पर शिफ्ट कमांड का यूज कर रहा हूँ। बेसिकली बात करें यहाँ पर SWEEP यहाँ पर शिफ्ट कमांड का यूज किया। यहाँ पर शिफ्ट कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करना है यहाँ पर। अब बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में।
देखिए अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी जो यहाँ पर अलाइनमेंट्स आपके पास लिया जा रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास 90 डिग्री यहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है। यदि आपके पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री 90 डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट को चूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैंने नो को चूज किया, नो को चूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो अभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। उसका रीजन क्या है यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पर जो पाथ लिया है वो पाथ आपके पास अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री यहाँ पर नहीं है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर हमने यहाँ पर स्विफ्ट कमांड का यहाँ पर यूज किया था इससे पहले जस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा था, यस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा था वो यहाँ पर जो आपके पास उसका पाथ है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या है 90 डिग्री है। और बेसिकली बात करें तो यहाँ पर ये जो पाथ है वो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विफ्ट कमांड यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर स्विफ्ट कमांड वर्क करता है। ओके अब जरा बात करते हैं यहाँ पर स्विफ्ट कमांड के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर पाथ देना है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर बेस पॉइंट के बारे में। यदि आप यहाँ पर किसी का बेस पॉइंट यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा इससे पहले कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास जो ड्रॉ हुआ था वो इसके क्या हो रहा है यहाँ पर सेंटर के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप यहाँ पर बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसका बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर इसका बेस पॉइंट यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट को दे देता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और पाथ को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर बात करें देखते हैं यहाँ पर ये जो पाथ बना है वो यहाँ पर 90 डिग्री है या नहीं है। तो मेरा ये जो पाथ है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री है। ओके अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए स्विफ्ट कमांड का यहाँ पर यूज करना है, स्विफ्ट कमांड का यूज करना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद मैंने जो पाथ है उसको पाथ को सिलेक्ट किया। तो अभी जो पाथ बना है वो हमारे पास जो रिवॉल्विंग है वो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होने की वजह से यहाँ पर रिवॉल्व नहीं हो रहा है। ओके यहाँ पे आपके जो पाथ है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्वैप नहीं हो रहा है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करते हुए हम यहाँ पर एक पाथ बना देते हैं सिंपल सा। ओके यहाँ पे मैंने लाइन कमांड का यूज करते हुए मैंने यहाँ पर पाथ बना दिया। ओके तो ये मैंने एक पाथ बना लिया है, एंटर प्रेस करना है यहाँ पर सिंपल सा, एंटर प्रेस कर लिया है सिंपल सा, जॉइन कमांड का यूज करूंगा ताकि पॉलीलाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करा इसको सेलेक्ट कराऊ और एंटर प्रेस करा, क्लियर। ओके अब बात करते हैं यहाँ पे फिर से स्विफ्ट कमांड की। देखिए स्विफ्ट कमांड का यूज किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मैंने क्या किया है इसके अंदर एंटर किया है, फिर मैंने पाथ को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, तो पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अब बात करें यहाँ पर, देखिए स्विफ्ट कमांड का यूज करेंगे और यहाँ पे मैंने क्या किया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस किया, इस बार मैं बेस पॉइंट को फिर से चेंज कर रहा हूँ, बेस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। अगर जो भी बेस पॉइंट है आप उस बेस पॉइंट को यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको बेस पॉइंट लिया है और यहाँ पे मैंने इसको पाथ को सिलेक्शन किया, तो आप देखिए उसके बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था, कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ सारे ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एंटर प्रेस किया और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है सेंटर लाइन के अलोंग, सेंटर पॉइंट के अलोंग यहाँ पे क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर। ओके अब यहाँ पे यदि मैं बेस पॉइंट को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा, यस यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पर देखिए आपका जो बेस लाइन है उसको यहाँ पर चेंज करते हैं, बेस पॉइंट को चेंज करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो शिफ्ट कमांड है वो यहाँ पर कुछ और तरीके से वर्क करेगा। एंटर प्रेस किया यहाँ पर, बेस पॉइंट को मुझे चेंज करना है, बेस पॉइंट को मैंने क्लिक किया, बेस पॉइंट को क्लिक करते हुए मैंने क्या किया है यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पर, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्विफ्ट कमांड को यूज किया, स्विफ्ट कमांड को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, बेस पॉइंट को क्लिक किया, मेरे को जो बेस पॉइंट देना है मैंने उस बेस पॉइंट को क्लिक कर दिया, उसके बाद मुझे पाथ को देना है मैंने यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट किया। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास बेस पॉइंट था उसके अलॉन्ग ही यहाँ पर क्या हो रहा है आपका जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके अब जरा हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उनके बारे में समझते हैं यहाँ पर, अगला ऑप्शन यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है। स्विफ्ट कमांड के अंदर हमारे जो अगला ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर स्केलिंग कमांड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्केलिंग कैसे की जा सकती है यहाँ पर स्विफ्ट कमांड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा पाथ दे रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिवॉल्विंग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने एक पाथ दे दिया। ओके अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ स्विफ्ट कमांड का यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, स्विफ्ट कमांड को क्लिक करने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है, फिर उसके बाद मुझे पूछा जा रहा है स्केलिंग फैक्टर, आप जो भी स्केलिंग देना चाहते हैं वो स्केलिंग दे सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर मैंने स्केलिंग को चूज कर लिया, स्केलिंग फैक्टर आप जो भी देना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया है 0.2 यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर दिया है, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर जो भी पाथ है वो यहाँ पर पाथ देना है, जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पर मैंने इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आपके पास जो आपके पास एंडिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या हो चुका है यहाँ पर स्केलिंग हो चुका है। जैसे कि बात करें यहाँ पर अगर नीचे से देख पाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए चौड़ी है यहाँ पर, विड्थ ज्यादा है, और नीचे ऊपर से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर विड्थ क्या है कम है। आई होप सो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर स्केलिंग किस तरह से यहाँ पे यूज की जा सके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो आगे हमारे पास क्या है ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर ट्विस्ट किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक पॉलीगन को चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्स साइडेड पॉलीगन्स बना लेते हैं। सिक्स साइडेड पॉलीगन्स बनाने के बाद आप जो भी यहाँ पे पॉलीगन्स बनाना चाहें वो आप यहाँ पे पॉलीगन बना लेते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर पाथ देना है हमें, तो एक पाथ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने एक पाथ को ड्रॉ कर लिया है सिंपल सा। ओके
यहाँ पे बात करें, एक छोटा सा यहाँ पर पाथ को यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, एंटरप्राइज कर देते हैं, तो ये मेरा पाथ हो चुका है। ओके, अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ट्विस्ट कमांड है वो यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर ट्विस्ट कमांड किस तरह से वर्क करता है, तो उसके लिए मैंने स्वैप कमांड का यूज किया। स्वैप कमांड का यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे एंटरप्राइज करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्विस्ट के बारे में। देखिए ट्विस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्विस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो ट्विस्ट है वो कितने डिग्री करना है। जैसे कि बात करें आप यहाँ पर 360 डिग्री पूरा रोटेट कराना चाहते हैं तो वो पूरा करा सकते हैं। आपके पास जितना आपके पास एंगल का ट्विस्ट करना चाहते हैं उतना एंगल करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 360 लिख दिया, उसके बाद मैंने एंटरप्राइज कर दिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर आगे जो पाथ है वो आपको पाथ को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने पाथ को सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो रखा है, ट्विस्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, यदि आप यहाँ पर स्विफ्ट कमांड का यूज करते तो उस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनता, बट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो ड्रॉइंग है वो आपके पास पूरी क्या हो चुकी है, ट्विस्टेड हो चुके। आई होप सो यहाँ पे समझ आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ट्विस्ट किया जा सकता है आपके जो ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए, हमने जब टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, यस हमने जब 2D टूल्स के बारे में डिस्कस किया था तब हमने यहाँ पर हेलिक्स जो टूल्स है वहां पर हमने इसको स्किप किया था। हमने कहा था कि जब हम यहाँ पे 3D के अंदर डिस्कस करेंगे तब यहाँ पर हेलिक्स टूल के बारे में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर डिस्कस करना था। आज हम यहाँ पर हेलिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हेलिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने हेलिक्स को चूज किया। हेलिक्स को चूज करते हुए यहाँ पर आपके पास जो भी हेलिक्स है वो यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेस का जो यहाँ पर दे दिया रेडियस वो आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर जितना आप यहाँ पर देना चाहेंगे उतना आप यहाँ पे हेलिक्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हेलिक्स बना दिखा है। ओके, मैं इसको यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हेलिक्स बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा हेलिक्स बना लिया है। उसके बाद मुझे देना है एक्सिस, तो मैंने यहाँ पर एक्सिस दे रखा है। जो भी आप ऐसे एक्सिस देना चाहेंगे वो एक्सिस दे रखे। क्लियर। तो अभी आपके पास सिंपल सा 2D हेलिक्स बन चुका है। अब आप यहाँ पर 3D हेलिक्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सर्कल कमांड बनाइए। सर्कल कमांड के थ्रू आप यहाँ पे क्या कीजिए, सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सर्कल को आपने ड्रॉ किया वो आपके पास प्लेन आपके पास क्या हो रहा है, सबका प्लेन सेम हो रहा है, लेकिन आपको इसका प्लेन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको प्लेन को चेंज करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बात करें यहाँ पर रोटेट गोमेस को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और आपके पास जो प्लेन के अंदर लाना है आप उस प्लेन के अंदर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे इस प्लेन के अंदर इसको रोटेट कराना है, मैं उस प्लेन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करूंगा, रोटेट करा दूंगा। क्लियर। जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि मुझे इस प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट कराना है सिंपल सा, तो मैं यहाँ पे रोटेट करा दूंगा। एंटरप्राइज करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो प्लेन है वो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रोटेट हो चुका है। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी आपके पास इसको पूरा का पूरा यहाँ पर 90 डिग्री और रोटेट कराना है तो वो भी आप यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके जो हेलिक्स बनाना चाहते हैं और जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग स्वैप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैंने एंटरप्राइज किया। उसके बाद मुझे जो पाथ देना है मैंने उस पाथ के अकॉर्डिंग दिया। तो अभी आपके पास पाथ इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट उस प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेलिक्स ड्रॉ करना चाहते। क्लियर। आपको इसको फिर से रोटेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट करा रहा हूँ सिंपल सा। देखिए यहाँ पर बात करें ऑब्जेक्ट आपके पास जो हो रहा है वो रोटेट हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर हमारा जो प्लेन है वो उस प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रोटेट नहीं हुआ है, तो इसको जरा प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट करवा देते हैं। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट करवा लेते हैं सिंपल सा। और मैंने इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये रोटेशन हो। तो अभी हमारे पास ये एक्सेस के अलोंग यहाँ पर रोटेट हो। क्लियर। मुझे इस एक्सेस के अलोंग रोटेट कराना है तो सिंपल सा ओके एंटरप्राइज करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्सेस है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट हो चुका है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर हेलिक्स कराना चाहूंगा तो यहाँ पर पहले मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ सिंपल सी। तो यहाँ पर मैं इसकी साइज को यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और बहुत ही ज्यादा स्मॉल कर देते हैं।
ओके, और एंटर प्रेस कर, क्लियर। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है, ओके अब जरा बात करें यहाँ पर, तो मुझे हेलिक्स के अंदर बनाना है इसको, हेलिक्स बना लेंगे यहाँ पर सिंपल सा। तो इसके लिए मैं स्वैप कमांड का यूज करूंगा, स्वैप कमांड को यूज करते हुए देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद जो मेरा पाथ है मैंने उसको सेलेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर क्या बन चुका है, हेलिक्स बन चुका है। देखिए यहाँ पर बात करें हेलिक्स के लिए, यहाँ पर मैं सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा और अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हेलिक्स बन चुका है। बेसिकली बात करें तो आपके पास जो हेलिक्स है या फिर आप कोई भी पाथ लेते हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी आपके पास जो वर्किंग है वो यहाँ पर होगी। देखिए आपके पास जितने भी यहाँ पर हमने देखे हैं ऑब्जेक्ट जो आपके पास 2D to 3D बना रहे थे, वो सारे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास सारे के सारे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के ऊपर यहाँ पर वर्क करते हैं। बेसिकली बात की जाए आपके पास जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे, तभी आप उनका यहाँ पर वर्किंग करा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम प्लेन में होगा तो यहाँ पर आप उसके यहाँ पर एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली बात करिए ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर एक्सट्रूड करने का वर्क करते हैं, और एक्सट्रूड के अंदर ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर होगा तभी यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा स्वैप कमांड किस तरह से वर्क करता है, इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है, और उसके अंदर हमने देखा अलाइनमेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, और उसके बाद ट्विस्ट क्या होता है, सभी के बारे में हमने वन बाय वन देखा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे ऑटोकैड की सीरीज चल रही है, और ऑटोकैड की सीरीज के अंदर 3D ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, 3D किस तरह से यहाँ पर वर्क की जा सकती है, 3D के अंदर किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। आज हम यहाँ पर लोफ टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लोफ टूल क्या है यहाँ पर, इससे पहले हमने यहाँ पर एक्सट्रूड टूल के बारे में डिस्कस किया, एक्सट्रूड टूल क्या होता है, किस तरह से उसके अंदर वर्क किया जा सकता है, और उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर एक्सट्रूड टूल के बारे में। आज हम यहाँ पर लोफ टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक्सट्रूड टूल क्या कर रहा था, आपके पास जो भी यहाँ पर वर्किंग हो रही थी, जैसे आपने यहाँ पर 3D के अंदर कोई भी 2D के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाया और आप उसे 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हैं। देखिए लोफ्ट कमांड भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है, लोफ्ट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो आपके पास 2D के अंदर होते हैं और आप उसे 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोफ्ट कमांड का आप यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। दोनों का वर्क ऐसा ही है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर सॉलिड के अंदर वर्क कीजिए या फिर आप यहाँ पर सर्फेस के अंदर वर्क कीजिए, लोफ्ट और यहाँ पर एक्सट्रूड आगे आने वाले और जितने भी कमांड्स है वो सारे ऑब्जेक्ट आपके पास क्या करेंगे, जितने भी आपके पास यहाँ पर 2D के अंदर ऑब्जेक्ट थे उन सभी का ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, 3D के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो समझते हैं लोड कमांड किस तरह से वर्क करता है। इसके यहाँ पर शॉर्टकट कमांड की बात की जाए तो यहाँ पर LOFT लोफ्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और इसी तरह से यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड को तो समझते हैं कि लोफ्ट कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर, एक्सट्रूड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, लोफ्ट दिखेगा, या फिर आप सिंपल सा LOFT एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लोफ्ट कमांड इनेबल हो जाएगा। लोफ्ट कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शंस ऑफ इन द लॉफ्टिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी लॉफ्टिंग ऑर्डर है वो आप यहाँ पर बताइए। देखिए लॉफ्टिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो अभी हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर मैं अभी एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉफ्टिंग के बारे में समझाएंगे कि लॉफ्टिंग होता क्या है। क्लियर, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली बात करें हम इसको यहाँ पर पहले प्लेन को सेट कर लेते हैं कि हम कौन से प्लेन के अंदर वर्क करने वाले हैं, और उस प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको प्लेन को सेट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके पास क्या करने वाला हूँ, एक पॉट बनाने वाला हूँ, किस तरह से यहाँ पे पॉट बनता है लोफ्टिंग के थ्रू वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन एक्सट्रूड के थ्रू आप यहाँ पर पॉट्स वगैरह ऐसे डायग्राम्स को आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाते। क्लियर, तो यहाँ पर समझते हैं किस तरह से बनने वाला है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर सर्कल को यूज करूंगा और यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। क्लियर, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और सर्कल को ड्रॉ करता हूँ सेम डायरेक्शन के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ एक और यहाँ पर, और यहाँ पर एक और सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए एंटर करते हैं यहाँ पर और एक और सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से लोफ्टिंग को यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके लिए पहले एक काम करते हैं, एक और छोटा सा यहाँ पर पॉलीगन्स बना लेते हैं। यस, यहाँ पे बात करूंगा पॉलीगन्स के बारे में, POLY पॉलीगन्स बनाएंगे यहाँ पर। पॉलीगन्स बनाने के बाद यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे 5-sided पॉलीगन्स बनाना है मुझे। 5-sided पॉलीगन्स बनाने के बाद देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पर सेंटर मार्क करना है, मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब चाहे तो आप जो साइज सर्कल्स का बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर किसी भी चीज का यहाँ पर पॉलीगन्स बना लिया, जैसे यहाँ पर सिंपल सा एक और पॉलीगन बना लिया। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पे मूव कमांड का यूज करूंगा और मूव कमांड का यूज करते हुए इसके पॉलीगन्स की स्ट्रक्चर्स बनाने वाला हूँ। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है उसके बारे में समझाऊं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक पॉलीगन्स को चूज किया, बहुत सारे डायग्राम को चूज किया, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक पार्ट बनाने वाला हूँ जो कि आपके पास किस तरह से होने वाला है, लोफ्ट कमांड के थ्रू होने वाला है। समझेंगे उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पर समझने वाले हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि लोफ्ट कमांड किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। क्लियर, ओके, अब ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उन सभी को यहाँ पर पहले मूव करते हैं और अरेंजमेंट के रूप में यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। क्लियर,
तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एम एंटर करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा, और उसके लिए मुझे ऑर्थो को इनेबल करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑर्थो को यहाँ पर इनेबल कर रखें। ओके, अब देखिए यहाँ पे मूव कमांड का यूज करना है, और मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ, और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके अलॉन्ग यहाँ पर इसको मूव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको मूव किया, उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर मैं मूव कमांड को इनेबल करूंगा, और मूव कमांड को इनेबल करते हुए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना है, इसके अलॉन्ग यहाँ पर मुझे मूव करना है, उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और जैसे कि मुझे यहाँ पर ये हमारा पास सेंटर है और मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो ये मैंने इस तरह से वर्क कर रहा हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इसको मूव कमांड के लिए एम एंटर करूंगा, एम एंटर करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर करूंगा, और इसका जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ पर मूव कर दूं। क्लियर? ओके, इसको यहाँ पर कर दे, और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एम मूव कमांड का यूज किया, एम एंटर किया, यहाँ पर सिंपल सा मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस किया है, और जो आपके पास इसका सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर ऊपर की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को जमा रखा है सिंपल सा। अब मैं सिंपल सा इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे और भी इसके अंदर जो भी चीजें समझानी है मैं उसको समझा पाऊंगा। क्लियर? यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड का यूज किया, कॉपी कमांड का यूज करते हुए इसका जो कोई भी बेस पॉइंट दे देते हैं उस बेस पॉइंट के लॉन्ग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कॉपी करना है सिंपल सा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, उसके बाद मैंने आगे भी इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर? ओके, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब जरा समझते हैं मूव कमांड यहाँ पर लुफ्ट कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए लुफ्ट के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलओएफटी लुफ्ट एंटर करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं एस्टूट कमांड के जस्ट नीचे आपके पास लुफ्ट कमांड मिल जाएगा, आप जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे लुफ्ट कमांड मिल गया। अब जरा समझते हैं लुफ्ट कमांड के अंदर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लुफ्ट कमांड के अंदर वर्क करने के लिए यहाँ पर पहले कमांड विंडो के अंदर देखते हैं कि कमांड विंडो के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो देखिए कमांड विंडो के अंदर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शंस इन द लुफ्टिंग ऑर्डर। देखिए लुफ्टिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि आपके पास लुफ्टिंग ऑर्डर के अनुसार ही आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। यदि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आप यदि ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ और बनने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे लुफ्टिंग ऑर्डर का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसका जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद समझेंगे कि यहाँ पर पॉइंट जॉइंट मल्टीपल एजेस और यहाँ पर मोड किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल सा मुझे लुफ्टिंग ऑर्डर देना है। देखिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर तीन चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में वन पॉइंट सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्रॉस सेक्शन सेक्शंस ओनली पर ही क्लिक करना है। एक क्रॉस सेक्शन ओनली पर क्लिक करने के बाद जरा इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो कुछ पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है। जरा आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर ऑर्डर किस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, जो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी आपके पास टू डी स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने सिवल और केवल बाउंड्री दी है आपने, उस बाउंड्री के अलॉन्ग आप यहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लुफ्ट कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखिए एल ओ एफ टी यहाँ पर लुफ्ट यूज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ऑर्डरिंग पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछ सकते हैं, तो आप ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर इसको दिया थर्ड, और उसके बाद ये दिया इसको यहाँ पर फोर्थ। ओके, और उसके बाद मैंने कर दिया है एंटर प्रेस, या फिर इस जरा बात देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शंस गाइड पाथ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है सेटिंग। यस, आप यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास देखिए पहले लिखा है रूल, फिर लिखा है स्मूथ फिट, उसके बाद नॉर्मल टू ड्राफ्टिंग एंगल्स, यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस ऑफ टू द सॉलिड। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास इस नीचे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जरा बात करते हैं देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स बना है वो आपके पास एकदम स्मूथ फिट के अंदर बना है। स्मूथ फिट के अंदर बना क्या है यहाँ पर, कि आपके पास जो यहाँ पर कर्वेचर्स आए हैं वो सारे के सारे स्मूथ आए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके जो कर्वेचर्स है यहाँ पर जितने भी कर्वेचर आए हैं वो आपके यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपके यहाँ पर रेक्टेंगल का यहाँ पे पॉलीगन्स का यूज किया था, पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यहाँ पर सर्कल यूज किया, सर्कल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका रूल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए रूल का यूज किया मैंने यहाँ पर, रूल का यूज करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस तरह से बना है उसके बारे में देखिए यहाँ पर। देखिए ऑब्जेक्ट आपके पास देखिए जरा यहाँ पर बात करें यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है वो आपके पास यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के बीच में जरा देखिए यहाँ पर, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक आपके पास पूरा कर्वेचर्स के टाइप में है और एक की आपके पास क्या है यहाँ पर लैंडस्लाइड में। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि रूल्स और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर? ओके, अब जरा समझते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शंस के बारे में कि अगला ऑप्शंस क्या है यहाँ पर।
तो यहाँ पर पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम जो अगले ऑप्शन है उनको यहाँ पे क्लियरली समझ सके। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉपी का यूज करूंगा, कॉपी को यूज करते हुए सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट को। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद एंटरप्राइज किया है, बेस पॉइंट मुझे देना है, मैंने बेस पॉइंट दिया है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करते जा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया एंटरप्राइज। ओके, तो आप क्लियरली समझ पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करना है लोफ्ट कमांड के अंदर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे फिर से लोफ्ट के अंदर, तो लोफ्ट के अंदर क्लिक किया, यहाँ पर लोफ्ट को सिलेक्ट किया, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंटिन्यूटी सिलेक्ट करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, एंटरप्राइज करना है। एंटरप्राइज करने के बाद यहाँ पे चलते हैं सेटिंग के अंदर। देखिए सेटिंग के अंदर चले यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने देखा लोफ्ट क्या होता है, लोफ्ट के अंदर हमने वर्क किया, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर स्मूथ क्या होता है। स्मूथ के अंदर आप जैसे यहाँ पर जो कर्वेचर्स है वो आप यहाँ पर स्मूथ लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्मूथ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर नॉर्मल टू के ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर वही चीज पूछी जा रही है कि आपके यहाँ पर केवल क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं या फिर आप यहाँ पर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं। जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंगल के बारे में, ड्राफ्टिंग एंगल से वर्क करता है। तो देखिए ड्राफ्टिंग एंगल का ऊपर वर्क करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे स्मूथ के अंदर रख रहा हूँ और ड्राफ्टिंग एंगल के ऊपर क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग एंगल आपके पास मिल चुका है। ड्राफ्टिंग एंगल मिलने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर जो आपके पास सबसे ऊपर वाला पीक पॉइंट है, अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके एंगल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपके पास जो कर्वेचर्स है उस कर्वेचर्स की यहाँ पर जो एंगल्स है उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए देखिए तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखूंगा मैं आपको यहाँ पर, यस देखिए तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पर, तो तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्वेचर कुछ और दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास कर्वेचर कुछ और से है और यहाँ पे मैं जो एंगल दे रहा हूँ वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि बात करें यहाँ पर देखिए जितना आप इसके अंदर ट्रायंगल ट्रैपर करेंगे उतना आप यहाँ पर एंगल को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैपर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर एंटरप्राइज करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर तीनों के ऑब्जेक्ट के यहाँ पर अलग अलग हो रही है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। ओके, अब फिर से यहाँ पर देखिए लोफ्ट का यूज करते हैं, एलओएफटी लोफ्ट यूज किया, एंटरप्राइज किया, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद दे रहा हूँ यहाँ पर थर्ड, देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ थर्ड, उसके बाद दे रहा हूँ यहाँ पर फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखिए एंटरप्राइज करते हैं यहाँ पर, एंटरप्राइज करने के बाद हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है और सेटिंग है। सेटिंग के अंदर क्या है हमें यहाँ पर, हमने देखा ड्राफ्टिंग एंगल क्या है, यहाँ पर क्लोज सॉलिड सर्फेस यहाँ पर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास स्मूथ एंड मिलेगा और आपके पास ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपके पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यस आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बात करें यहाँ पर, आप यहाँ पर सर्फेस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना चाहते हैं सिंपल सा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास वही ऑप्शन मिलेगा सॉलिड या सर्फेस, तो आप सिंपल सा सर्फेस के ऊपर क्लिक कीजिए। सर्फेस के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आपके पास हॉलो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। क्लियर, जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन चूज की, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सेकंड लाइन चूज की, उसके बाद बात करें यहाँ पर थर्ड लाइन, ओके, और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपके पास फाइनल लाइन चूज की और यहाँ पे सिंपल सा एंटर करेंगे और आप यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखने पर देखिए आपके पास यहाँ पर होलो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहे थे, सॉलिड ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग करनी है, किस तरह से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होलो ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे क्लिक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे से दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनना है, होलो ऑब्जेक्ट बनना है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। क्लियर, ओके, अब जरा समझते हैं हमारे पास, देखिए एक और चीज समझ जाऊंगा लेफ्ट कमांड के यूज से। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कमांड फिर से ले रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, सिंपल से यहाँ पर एक सर्कल बनाया, उसके बाद यहाँ पर फिर से एंटर किया, एक और सर्कल बनाया, ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, कंट्रोल जेड, सिंपल सा कंट्रोल जेड, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल कमांड को इनेबल किया है यहाँ पर और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और सर्कल बनाया और उसकी जो रेडियस है वो लगभग लगभग इसके जस्ट करीब करीब देते हैं। ओके, एंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर से एक सर्कल का यूज किया और देखिए यहाँ पर फिर से एक सर्कल कमांड बनाने वाले हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे सर्कल का यूज किया और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा और सर्कल बना लिया है, उसके बाद एंटर प्रेस किया, उसके यहाँ पर बीच में एक और सर्कल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्कल का यूज कर रहा हूँ। ओके, और फिर समझेंगे यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे इसको मूवमेंट देना है और तो इसका मूवमेंट देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और तो मोड को एनेबल रखूंगा और इसको यहाँ पर सारे को मूवमेंट दूंगा। तो यहाँ पे एम कमांड का यूज किया, मूव कमांड का यूज किया, मूव कमांड का यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल से। ओके, ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटरप्राइज किया, अब देखिए किसके अकॉर्डिंग देना है मूव, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवमेंट देता हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ पे इसको मूव किया, उसके बाद मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इसको सेलेक्ट किया, एंटरप्राइज किया और आपके पास जो मिड पॉइंट है उसके अलॉन्ग यहाँ पे मैं इसको भी मूव कर रहा हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया, आपके पास जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं जरा उसको गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको जरा देखिए यहाँ पर, ओके, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ऑब्जेक्ट को। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पे बात करें तो देखिए किस तरह से ऑब्जेक्ट लिया मैंने यहाँ पर,
तो देखिए आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, मैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया को जरा गौर से दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो लॉफ्टिंग ऑर्डर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और लॉफ्टिंग ऑर्डर को चेंज करते हुए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको जरा गौर से देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बनने वाला है, उसको जरा देखिए यहाँ पर। तो सिंपल से देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखिएगा किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ लोफ्ट, LOFT लोफ्ट कमांड का यूज किया, एंटरप्राइज किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यस। उसके बाद देखिए देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करा फर्स्ट, ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट, उसके बाद यहाँ मैंने सेकंड, उसके बाद यहाँ मैंने थर्ड, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको फोर्थ सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सा एंटरप्राइज कर दिया है। तो एंटरप्राइज करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब जरा देखिए इस ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखिए यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट आपके पास किस तरह से बन रहा है उसको जरा गौर से देखिए। तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यहाँ पर हॉलो बन रहा है, प्लस यहाँ पर देखिए आपके पास एक थिकनेस आ रही है, यस। देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, थिकनेस मिल रही है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऊपर से है वो एक कर्वेचर मिल चुका है। यदि आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर चूज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर जिस तरह से आपके यहाँ पर पाथ ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पाथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो आपके उस पाथ के अकॉर्डिंग बनने वाला है। जैसे कि अभी आपने और देखा, अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा एक और ऑब्जेक्ट आपको समझाऊंगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर सब क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर पाथ को चूज करना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसी को वापस यहाँ पर चूज करते हैं, और अभी आपने देखा अभी हमने जो पाथ लिया वो कुछ और था, अब देखिए मैं यहाँ पर पाथ को कुछ और ले रहा हूँ। फर्स्ट इसको लिया, इस बार मैंने क्या किया, सेकंड इसको लिया, उसके बाद थर्ड इसको लिया, और उसके बाद देखिए फोर्थ जो अंदर वाला है उसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद, अब जरा देखिए इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से ड्रॉ हुआ है उसको जरा देखिए यहाँ पर, और मैं सिंपल सा एंटरप्राइज करता हूँ और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्लियर कर दे। अब जरा ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पर जरा घूम करके, तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कुछ और बन चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देख पाएंगे आप यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कभी अभी और कुछ देख रहा है, यस। जरा देखिए यहाँ पर, तो पहले कुछ और था अभी कुछ और था, तो इसलिए आपके पास जो पाथ यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर पाथ की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे थे इतनी देर से, यस, हम जो यहाँ पे पार्ट बनाने के लिए यूज कर रहे थे उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वापस देखते हैं यहाँ पर फिर से, कि यहाँ पर यदि मैं पाथ को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यस, पाथ को जरा चेंज करते हैं, तो उस तरह से किस तरह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर किस तरह से चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है इसको जरा गौर से देखते हैं यहाँ पर, ओके। अब जरा इसके पाथ को यहाँ पर जरा चेंज करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा LOFT यूज किया, लॉफ्ट यूज किया, एंटरप्राइज किया यहाँ पर सिंपल सा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे वाले को चूज करता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड को चूज करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर को थर्ड को चूज कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर बार वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर चूज कर रहा है, तो वो बार वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमने पाथ लिया है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्लियर। और यहाँ पर सिंपल सा मैं एंटरप्राइज करता हूँ, यस, यहाँ पे मैं एंटरप्राइज करता हूँ, और एंटरप्राइज करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा क्रॉस सेक्शन एरिया का क्लिक करता हूँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को देखने पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखिए कुछ और तरीके से ड्रॉ हो रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जरा इसको देखिए यहाँ पर किस तरह से ऑब्जेक्ट हो रहा है, यस, देखिए तो अभी आपके पास होलो ऑब्जेक्ट मिल रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर यूज करना है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो अगले ऑप्शन है उन सभी के बारे में क्लिक करें, तो देखिए इन सभी को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं जो आपके अगले ऑप्शन है उनके बारे में क्लिक करते हैं, क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पर अगले ऑप्शन के बारे में देखिए यहाँ पर सिंपल सा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को यहाँ पे एक सर्कल को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, यस, सिंपल सा एक सर्कल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉलीगन बना लेते हैं, पी, यहाँ पर सिंपल सा एक पॉलीगन बना लेता हूँ, और पॉलीगन की जो साइड है वो 5 साइड रख लेता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉलीगन ड्रॉ कर, आप कुछ भी पॉलीगन को ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक पॉलीगन ड्रॉ कर, क्लियर, ओके। यहाँ पे देखिए एसपी लाइन का यूज करूंगा, एसपी लाइन का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एसपी लाइन का यूज करते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर, सिंपल सी यहाँ पर एसपी लाइन को ड्रॉ करूंगा। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको कर देते हैं फ्रंट, अभी जो वर्क चल रहा है आपके पास वो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर जो वर्क चल रहा है वो यहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन भी यूज की है, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैंने यहाँ पर, ओके, F5 कमांड को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे मैं आपके पास, क्लियर। तो अभी देखते हैं यहाँ पर इसका जो प्लेन है वो यहाँ पर सेम में नहीं होना चाहिए, यदि आपके पास प्लेन सेम में होता है तब यहाँ पर ये जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं करता, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए फिर से यहाँ पर लोफ्ट का यूज करूंगा, LOFT यहाँ पर लोफ्ट का यूज किया, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, लोफ्टिंग ऑर्डर को चूज करना है, तो मैंने एंटरप्राइज किया, और उसके बाद मैंने क्या किया है, एंटर किया है यहाँ पर, यस, एंटर कर दिया, सॉरी, यहाँ पर देखिए LOFT यहाँ पे लोफ्ट को यूज किया, लोफ्ट को यूज करते हुए एंटरप्राइज किया, यहाँ पर देखिए मुझे ऑर्डर चूज करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट चूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सेकंड चूज कर लिया है, ओके, और यहाँ पर सिंपल सा मैंने एंटरप्राइज किया है। एंटरप्राइज चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे पाथ, आप जो भी पाथ के अकॉर्डिंग देना चाहेंगे वो आप यहाँ पर पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपसे देखिए पाथ पूछा जा रहा है, आप सिंपल सा आप यहाँ पर पाथ के ऊपर क्लिक करिए, पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो आपके पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, क्लियर, ओके। अब जरा देखिए इस ऑब्जेक्ट को जरा जूम करके देखें, तो यहाँ पर देखिए आपके पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है।
आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। क्लियर? ओके, अब जरा समझते हैं हमारे ऑब्जेक्ट अगले ऑब्जेक्ट को, क्या अगला ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गाइड टूल्स किस तरह से वर्क करता है। देखिए यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा एक्सट्रूड कमांड, लोफ्ट कमांड को इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन पूछे जा रहे हैं उन सभी को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए गाइड कमांड किस तरह से वर्क करता है, उसके ऊपर वर्क देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने सर्कल को यूज किया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल को यूज करते हुए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे पॉलीगन्स को भी यूज कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे मैंने पॉलीगन्स को भी चूज कर लिया है। ओके, पॉलीगन्स को चूज करने के बाद मुझे यहाँ पे 5-sided जो पॉलीगन्स है वो मुझे यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे बेस पॉइंट देता हूँ और 5-sided पॉलीगन्स बना लिया। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, सब्सक्राइब जो सर्कल जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे बना लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक और पॉलीगन्स बना लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर पॉलीगन्स बना लेते हैं। इस बार क्या करता हूँ मैं यहाँ पर 6-sided पॉलीगन्स बना लेता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे एक पॉलीगन्स और देते हैं। सब्सक्राइब जो सर्कल्स आपके जो भी देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो एक तो मैंने यहाँ पे 5-sided लिया, दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पर 6-sided पॉलीगन्स लिया। अब देखिए इस पॉलीगन्स को यहाँ पे पहले थोड़ा मूवमेंट दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर पहले इसको रोटेट करा देते हैं सिंपल सा। आरो रोटेट करा देते हैं, रोटेट एंटर पर क्लिक किया। अब इसका दे देता हूँ एंगल 90 degree और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल्स है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 degree रोटेट हो रहा है। सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पे देखिए मैं इसको कर रहा हूँ सिंपल सा रोटेट। आरो एंटर किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया है। उसके बाद यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, तो मैं सिंपल सा इसको यहाँ पर बेस पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पे एंगल दे देता हूँ 90 degree और 90 degree के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल, सॉरी यहाँ पर आरो एंटर रोटेट एंटर। यह क्या हो रहा है, उसी प्लेन के अंदर रोटेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F8 को इनेबल करूंगा। F8 को इनेबल करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है मुझे, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं इसको यहाँ पर मुझे प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। तो रोटेट गोमेज का क्लिक करना पड़ेगा, रोटेट गोमेज का क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर किस एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मुझे यहाँ इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, आप प्लेन का वही साइज रखिए, एंटर करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, रोटेट हो चुका। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से रोटेट करना है। अब जरा देखिए यहाँ पर, तो ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर। ओके, अब एक काम करते हैं यहाँ पर सिंपल से इसको क्या करता हूँ, मूव करा देता हूँ। तो एम कमांड का यूज किया, यहाँ पर मूव का यूज किया, मूव करते हुए इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद जो इसका बेस पॉइंट है उसको सिलेक्ट किया और उसको जहां मूव कराना है मैंने उसको मूव करा दिया। और जो हमारे पास पिछला ऑब्जेक्ट है उसको कर देते हैं सिंपल सा डिलीट। ओके, यहाँ पे कर देते हैं डिलीट, उसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर समझ में आ सके कि किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ओके, एंटर करा, डिलीट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी सिलेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर डिलीट कर दिया। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसपी लाइन का यूज करेंगे। एसपी लाइन का यहाँ पर यूज करते हुए यहाँ पर एसपी लाइन का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एसपीएल एंटर किया, यहाँ पर एसपी लाइन का यूज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ और तो को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ने इसको सिलेक्ट एंटर किया यहाँ पर। ओके, फिर से एसपी लाइन का यूज किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते हुए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जो दूसरे पॉइंट्स है उसको यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको चूज कर लिया है सिंपल सा और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे दोनों लाइन्स बन चुके। और यहाँ पे देखा जाए आपके पास जो ऑब्जेक्ट देख रहा है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट आप देख पाएंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर जो एसपी लाइन आपके पास बनी है, ये जो एसपी लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी टिल्ड हो चुकी है, तो इसको जरा यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। अब एसपी लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे इस एसपी लाइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये जो एसपी लाइन है आपके पास थोड़ी सी टिल्ड है, तो आप इसको वापस से फिर से यहाँ पर वर्किंग में लाएंगे। ओके, और यहाँ पे एसपी लाइन का यहाँ पे यूज कीजिए। यस, एसपी लाइन को सिलेक्ट करना है। एसपी लाइन को सिलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो ये मैंने इसका थर्ड पॉइंट,
ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर गाइड टूल्स है उसके ऊपर वर्क करते हैं कि गाइड टूल्स किस तरह से यहाँ पर वर्क करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम गाइड टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि गाइड किस तरह से यूज किया जाता है लोफ्ट के अंदर। तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, लोफ्ट का यूज करेंगे और लोफ्ट का यूज करते हुए एंटरप्राइज करेंगे। एंटरप्राइज करने के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए आपका जो सेक्शन है जिसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं उन सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन को एंटर किया, उसके बाद मैंने सिंपल सा एंटरप्राइज किया। एंटरप्राइज करते हुए यहाँ पर मुझे गाइड का यूज करना है, जो आपके पास गाइडलाइन है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एंटरप्राइज कर दीजिए। तो उससे आपके पास जो जॉइंट है वो यहाँ पर हो जाएगा और उससे आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग की जा सकती है आगे अंदर लोफ्ट कमांड के अंदर। देखिए लोफ्ट कमांड का बेसिकली मैं यहाँ पर यूज बताना चाहूंगा। तो जस्ट आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पॉट वगैरह को बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लोफ्टिंग कमांड का सिंपल सा आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर पॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली बात करें रेक्टेंगल कमांड, आपके पास जो पॉलीगन कमांड है, आपके पास जो सर्कल कमांड है, लिप्स कमांड है, इन सभी का यूज करते हुए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। यस, किसी भी पॉट वगैरह को बना सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पॉट वगैरह को बनाना है, लोफ्ट कमांड को किस तरह से यहाँ पर यूज करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर? देखिए बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर पॉलीसॉलिड के लिए आपको सिंपल सा पॉलीसॉलिड एंटर करना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए पॉलीसॉलिड जो आपके पास टूल्स बार है ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि आप जब आपने 2D डिस्कस किया था, 2D के अंदर आपके पास जो टूल्स कमांड थे, जैसे कि आप बात करूं यहाँ पर लाइन कमांड जो सबसे बेसिक्स कमांड हम बोलते थे, उसी तरीके से 3D के अंदर भी हम पॉलीसॉलिड को यहाँ पर बेसिक्स कमांड के रूप में बोलते हैं। बेसिकली बात की जाए इसके थ्रू आप यहाँ पर किसी भी टाइप की 3D की वॉल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ यस आप यहाँ पर 3D की वॉल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बेसिकली बात करें जाए यहाँ पर आपके पास कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है उस 2D ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 3D के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि पॉलीसॉलिड किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और इसके अंदर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जैसे कोई भी 2D के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप उसे 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर आप सेल्फ यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर पॉलीसॉलिड किस तरह से वर्क करता है। चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं, ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर पॉलीसॉलिड के बारे में कि पॉलीसॉलिड किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक्सट्रूड के जस्ट पास में आपके पास पॉलीसॉलिड कमांड देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर बाय कमांड भी यूज कर सकते हैं और बाय यहाँ पर इसको आइकन को देख के भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो आपके पास कमांड बॉक्स आ रहा है उस कमांड बॉक्स के बारे में बात करूं तो कमांड बॉक्स में लिखा हुआ है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। उसके बाद लिखा है और ऑब्जेक्ट हाइट विड्थ जस्टिफाई, एंड यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन दिखा रहे हैं उन ऑप्शंस के अनुसार चले यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट, मतलब आप यहाँ पर डायरेक्टली लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट पॉइंट दे सकते हैं। या फिर बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोई 2D के अंदर ऑब्जेक्ट है, आप उस 2D के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर जो इसकी हाइट है विड्थ है उसको यहाँ पर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज किया जा सकता है। और जस्टिफाई के अंदर देखेंगे कि हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इससे पहले यहाँ पर स्टार्ट करें, इससे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट के थ्रू यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ होता है। तो मैंने स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट दे चुका हूँ। अभी के स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद आप जरा गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आपके पास एक 3D वॉल क्रिएट होती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देना है। अभी आपके पास ऑर्थो मोड यहाँ पर डिसेबल है, मतलब ऑन नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर बाउंड्रीज बन रही है वो यहाँ पर रैंडमली और यहाँ पर सब डायरेक्शन में बन रही है। बट यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी डायरेक्शन यहाँ पर 90 डिग्री के अलग होनी चाहिए तो आप यहाँ पर ऑर्थो मोड को इनेबल कर सकते हैं। तो वो इसके लिए आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा। F8 प्रेस करते हैं आपके पास बाउंड्री मोड यहाँ पर ऑर्थो मोड इनेबल हो चुका है। ऑर्थो मोड इनेबल होने के बाद अब यहाँ पर आप जितनी लेंथ देना चाहेंगे आप उतनी लेंथ दे सकते हैं। उस लेंथ से आपके पास क्या होगा कि आपके पास यहाँ से वॉल क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल से एक वॉल क्रिएट करना चाहूंगा, यस हमारे जो हाउस है यहाँ पर उस हाउस की वॉल को क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल से हाउस की वॉल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर वो है आर्क क्लोज एंड एंड। जैसे कि देखिए हमने लाइन कमांड के बारे में डिस्कस किया था, लाइन कमांड के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास किसी भी टाइप से हम यहाँ पर लाइन को क्रिएट कर सकते थे। उसके साथ साथ हमने देखा था कि वहां पर भी हमारे पास क्लोज अंडू के ऑप्शन आ रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा सी प्रेस करेंगे तो जो आपके पास वॉल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से आपके पास वॉल बन जाएगी। इसका बेसिकली यूज बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो जब आप यहाँ पर कोई भी 3D मैपिंग करते हैं, जैसे कि बात कर रहा हूँ यहाँ पर हाउस की मैपिंग की जाती है, तो हाउस की मैपिंग करते वक्त अब आप चाहते हैं कि हाउस की जो मैपिंग है वो यहाँ पर 3D के अंदर हो जाए तो आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड का यूज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर अगले और कौन कौन से कमांड है उन सभी के बारे में डिस्कस करें। तो सिंपल से आप यहाँ पे पॉलीसॉलिड कमांड को इनेबल कीजिए, और इनेबल करने के बाद देखिए आप यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है आर्क ऑप्शन। यस, यहाँ पर आप आर्क भी बना सकते हैं इसके थ्रू। तो सिंपल सा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए एंटर करना पड़ेगा। ए एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है आर्क को स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर एफ एट को हटा दीजिए तो आपके पास किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ पर आर्क को क्रिएट कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रैंडमली। यस, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में मुझे आर्क क्रिएट करना है, तो उस डायरेक्शन के अंदर आर्क क्रिएट होता रहेगा। यस, ये आर्क जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली आर्क है, आप जैसे चाहे वैसे आर्क बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर छोटे छोटे आर्क बनाना है, अब यहाँ पर देखिए बड़ा सा आर्क बनाना है तो वो आपका आर्क नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वॉल क्रिएट है, तो उस वॉल के अंदर क्रिएट हो रहा है। क्लियर, आई होप सो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर आर्क बनाया जा सकता है। अब देखिए आर्क के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन है उन सभी के बारे में देखिए यहाँ पर। देखिए सिंपल सा पॉलीसॉलिड को एंटर करना है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद एक सिंपल सा आर्क के लिए ए ऑप्शन एंड करना है। ए ऑप्शन एंड करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास देखते हैं, तो यहाँ लिखा है डायरेक्शन, उसके बाद लिखा है यहाँ पर लाइन, उसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट, और उसके बाद लिखा है अंडू। देखिए डायरेक्शन की बात की जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्शन दे सकते हैं, इसके लिए मैं डी एंटर करूंगा। डी एंटर देने के बाद देखिए आप जो भी डायरेक्शन देना चाहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन एंटर की है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो आपके पास आर्क है वो आर्क आपने क्रिएट कर सकते हैं। यस, बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइन से लाइन की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल एंटर करना पड़ेगा। एल एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, लाइन फिर से क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर आर्क क्रिएट कर रहे थे, आपको आर्क क्रिएट करते करते आपको यहाँ पर लाइन क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर फिर से मैं आर्क को क्रिएट करूंगा, तो ए एंटर करूंगा यहाँ पर आर्क को। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सेकंड पॉइंट, क्योंकि सेकंड पॉइंट के लिए मुझे एस एंटर करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल से एस एंटर करूंगा। तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी मुझे सेकंड पॉइंट देना है वहां तक मैं सेकंड पॉइंट दे सकता हूँ अपने आर्क का, और जैसा मुझे आर्क बनाना है वैसा मैं इसके अंदर आर्क को क्रिएट कर सकता हूँ। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर ये इसका यूज जो है, यहाँ पर जब आप यहाँ पर कोई भी आप मैपिंग क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पर कोई भी नक्शा बना रहे हैं घर का, या फिर आपका कोई ब्रिज का नक्शा बन रहा है, तब आप यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे की बात की जाए यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे कमांड है पॉलीसॉलिड के अंदर, उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं पॉलीसॉलिड को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। पॉलीसॉलिड को सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर देखना है ऑब्जेक्ट हाइट विड्थ एंड जस्टिफिकेशन। तो बेसिकली मैं पहले हाइट और विड्थ के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पर जस्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइट के बारे में बात करूँ, तो हाइट के लिए मुझे सिंपल सा एच प्रेस करना पड़ेगा। एच प्रेस करने के बाद अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यस, हमने जो यहाँ पे पॉलीसॉलिड के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, इसकी आपको हाइट डिसाइड करनी है, तो वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हाइट आपकी बहुत ज्यादा है, तो आप इसे यहाँ पर सिंपल सा टू एंटर करें, तो आपकी हाइट यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है। आपके पहली जो हाइट थी वो यहाँ पर फोर थी, अब यहाँ पर टू हाइट का यहाँ पर अगर पॉलीसॉलिड बनने वाला है। अब बात करें यहाँ पे विड्थ की, अब आप चाहते हैं कि आपकी जो वॉल है उसकी विड्थ भी आपके पास एक्सट्रूड होनी चाहिए यहाँ पर, तो सिंपल सा डब्ल्यू एंटर करें। डब्ल्यू एंटर करने के बाद अभी जो वर्ड दे रखी है यहाँ पर दे रखी है 0.3। यस, आप इसको थोड़ी सी बड़ी करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा 0.8 एंटर कर सकते हैं, या अपने अनुसार कुछ भी एंटर कर सकते हैं जिसके अनुसार आप यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। एंटर किया मैंने 0.8। अब जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वॉल बनाने का। तो देखिए वॉल बना रहे हैं, तो देखिए वॉल इस बार क्या हो रही है, छोटी बन रही है क्योंकि हमने हाइट को स्मॉल कर दिया है, और उसकी विड्थ को यहाँ पर क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पे वॉल क्रिएट हो रही है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से किया जा सकता है। आपके पास कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल कमांड का यूज करूंगा, और सर्कल कमांड के यूज करते हुए यहाँ पे मैंने सिंपल से एक सर्कल बना लिया। अब मुझे बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी वॉल को क्रिएट करना है, तो मैं सिंपल से पॉलीसॉलिड कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे जो भी ऑब्जेक्ट्स है मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मेरे को यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के लिए ओ एंटर करना पड़ेगा, तो एंटर किया तो मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है। ऑब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर सर्कल है, सर्कल को सिलेक्ट किया, तो सर्कल के अंदर यहाँ पे क्या बन चुका है, उसकी वॉल बन चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए ये जो वॉल बन रही है, ये सिंपल सी आपने जो प्री डिफाइंड आपकी जो हाइट है उसके अनुसार बन रही है, हाइट और विड्थ के अनुसार बन रही है। देखिए हमने एक्सट्रूड कमांड के बारे में डिस्कस किया था, तो एक्सट्रूड कमांड के अंदर आपने देखा था कि आपके पास जो भी चीज रेट हो रही थी वो आप यहाँ पर अपने अनुसार दे रहे थे। आपके पास जो वॉल थी वो आपने अपने अनुसार कर रहे थे वर्क यहाँ पर, या फिर बात करूं अपने अनुसार ही सारी चीजें वर्क हो रही थी। बट बात की जाए यहाँ पर पॉलीसॉलिड के अंदर, तो पॉलीसॉलिड के अंदर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपने क्या दी है, इसकी विड्थ दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन बाय वन क्रिएट करते जा रहे हैं, तो आपके पास सारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पर सेम रहने वाली है। बट एक्सट्रूड कमांड के अंदर कुछ ऐसा नहीं था। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड और यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड के अंदर डिफरेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर से पॉलीसॉलिड कमांड के ऊपर जाऊंगा, और बात रही है हमारी जस्टिफिकेशन की। देखिए जस्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे पूछा जा रहा है लेफ्ट, सेंटर और राइट। देखिए दोनों तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करें, तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और तो मोड को एनेबल करते हुए, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अभी जो आपके पास लाइन क्रिएट हो रही थी,
जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, आप जो यहाँ पे वॉल बना रहे थे, वो जो वॉल बन रही थी आपके पास, वो आपके पास सेंटर से बन रही थी। सेंटर से बनने का मतलब क्या है, उसकी जो यहाँ पर लाइनिंग को क्रिएट करने का डायरेक्शन थी वो यहाँ पर सेंटर थी। लेकिन अब यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके क्या करना पड़ेगा, पॉलीसॉलिड कमांड के ऊपर जाना पड़ेगा, जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अभी हमारे पास सेंटर है, उसकी जगह मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ। लेफ्ट करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास जो वॉल है, यस बात की जाए यहाँ पर वॉल है, तो एक सेकंड यहाँ पर क्लिक कर देता है तो आपके पास जो वॉल बन रही है आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो वो वॉल की जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो जो वॉल है उसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपके पास किस तरह से आ रहा है यहाँ पर, अगर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर और आपके पास फिर से एक और वॉल बनाते हैं यहाँ पर, और जस्टिफिकेशन के अंदर चलता हूँ। जस्टिफिकेशन के अंदर जाने के बाद सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जहां से मुझे वॉल क्रिएट करनी है वहां से मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया तो अभी जो वॉल बन रही है वो यहाँ पर सेंटर के अलॉन्ग बन रही है। जैसे आपकी यहाँ पर आपके जो ड्रॉइंग के अंदर रिक्वायरमेंट है आप उसी के अनुसार यहाँ पर अपनी ड्रॉइंग को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट के बारे में कि लेफ्ट के अंदर ड्राइंग किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। तो आप सिंपल सा पॉलीसॉलिड कमांड के ऊपर क्लिक कीजिए, जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप बात करते हैं यहाँ पर राइट के बारे में। राइट के ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पर, इसी से पॉइंट से लेते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसी पॉइंट से लेते हुए ड्रॉ करने पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यहाँ पर राइट साइड बन रहा है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड का यूज कहाँ पे किया जा सकता है, बेसिकली आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड का यूज कहाँ करना है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी 3D स्ट्रक्चर्स हो गए उसको यहाँ पर बनाना है, उसकी वॉल को यहाँ पर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड का आप यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर पॉलीसॉलिड कमांड किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर किस तरह से यहाँ पर वॉल को क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर इसका नेम ही है, प्रेसफुल एंटर करना पड़ेगा। प्रेसफुल एंटर करते ही आपके पास प्रेसफुल कमांड इनेबल हो जाएगा। बेसिकली बात की जाए प्रेसफुल कमांड आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसफुल कमांड आपके पास एक तरीके से एक तरह का ऐसा टूल्स है जिसके अंदर आप यहाँ पर एक्सट्रूड भी कर सकते हैं प्लस यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यस आप यहाँ पर सही सुन रहे हैं, प्रेसफुल कमांड के थ्रू आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर किसी को एक्सट्रूड करना है तो आप यहाँ पर एक्सट्रूड कर सकते हैं और प्लस बात की जाए यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर जो इसका नाम है प्रेस और पुल, देखिए पुल जो कमांड है वो यहाँ पर आपके पास क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने का काम करता है, और यहाँ जो प्रेस कमांड है वो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करने का कमांड का वर्क करता है। तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर जैसे ही आप प्रेसफुल कमांड इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका बाउंड्री एरिया देना पड़ेगा। बेसिकली बात करें तो ये आपके पास 3D to 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का ऑप्शन के लिए वर्क करता है। ठीक है, 2D to 3D में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या था, एक्सट्रूड कमांड था, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे उसको यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे 3D ऑब्जेक्ट में बेसिकली कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पर प्रेसफुल कमांड भी वही वर्क करता है। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड थ्रू समझते हैं यहाँ पर प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है। और बेसिकली मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो ये आपके पास जो कमांड है ये आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्किंग होती है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है एक्सट्रूड, दोनों वर्क करता है यहाँ पर। इसलिए चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा प्रेसफुल कमांड के बारे में समझते हैं कि प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली प्रेसफुल कमांड के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, छोटे से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसके बाद प्रेसफुल कमांड के बारे में समझते हैं कि प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है। देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा एक बॉक्स बना लेता हूँ। यस उस बॉक्स के अंदर देखिए बेसिकली एक और बॉक्स बना लेते हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना लिया। ओके अब प्रेसफुल कमांड को यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस बॉक्स को यहाँ पर 3-4 कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस प्रेसफुल कमांड के बारे में समझते हैं कि प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा यहाँ पर कॉपी कमांड को इनेबल किया है। कॉपी कमांड को इनेबल करते हुए यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी बना ली है। यस फिर इसके बाद में समझते हैं प्रेसफुल कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है और किस तरह से यहाँ पर प्रेसफुल कमांड का यहाँ पर वर्किंग की जा सकती है। ओके तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली है। अब जरा समझते हैं यहाँ पर प्रेसफुल कमांड के बारे में कि प्रेसफुल कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। ओके प्रेसफुल कमांड यहाँ पर वर्क करने के लिए आप सिंपल सा प्रेसफुल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर बात करो चाहूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर यहाँ पर प्रेसफुल लिख के भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेसफुल कमांड आपके पास एक्सट्रूड कमांड और सब्ट्रैक्ट कमांड दोनों के अंदर वर्क करता है। तो पहले यहाँ पर समझेंगे कि एक्सट्रूड कमांड के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल सा आपके पास जो भी बाउंड्री एरिया है, जैसे कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसका कोई भी बाउंड्री एरिया है, आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद जितना आप एक्सट्रूड करना चाहे, चाहे ऊपर की तरफ करना चाहे, चाहे नीचे की तरफ करना चाहे, उस तरफ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया। ओके यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए फिर से मुझे एक्सट्रूड करना है तो मैं सिंपल सा प्रेसफुल कमांड को क्लिक किया, जो भी मेरे पास बाउंड्री रीजन है मैंने उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया उसको एक्सट्रूड कर दिया सिंपल सा। देखिए एक्सट्रूड करने के लिए क्या किया, आपके पास जो भी बाउंड्री रीजन था आप उसमें ऊपर या नीचे करके आप उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एक्सट्रूड कमांड किस तरह से यहाँ पर
यहाँ पर प्रेसफुल कमांड किस तरह से वर्क करता है एक्सट्रूड के अंदर। अब जरा बात समझते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड के बारे में, तो यहाँ पर मैं ग्रिड को हटा देता हूँ, उसके बाद समझते हैं यहाँ पर। देखिए देखिए जब हमने एक्सट्रूड कमांड का यहाँ पर वर्क किया था, तो एक्सट्रूड कमांड क्या कर रहा था, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट था उस कमांड को सिंपल सा यहाँ पर क्या कर रहा था, एक्सट्रूड करने का वर्क कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इसको एक्सट्रूड किया, यहाँ पे बात करूँ एक्सट्रूड कमांड फिर से मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो बाउंड्री है उसको मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मैंने उसको एंटर प्रेस किया और उसके बाद मैंने क्या क्या क्लिक कर दिया, तो ये एक्सट्रूड कर रहा था। बट बात की जाए यहाँ पर किसी 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड आपके पास सिंपल सा वर्क नहीं कर रहा था। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड वर्क किया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कोई एक्सट्रूड नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड केवल आपके पास जो 2D ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर 3D कमांड के अंदर एक्सट्रूड करने का वर्क करता है। बट बात की जाए यहाँ पर प्रेसफुल कमांड के बारे में, तो प्रेसफुल कमांड आपके पास एक तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन देता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी 3D ऑब्जेक्ट होता है आप उस 3D ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपल सा आप यहाँ पर प्रेसफुल कमांड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रेसफुल कमांड इनेबल होने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई भी बाउंड्री ऑब्जेक्ट है, आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी बाउंड्री एरिया आप उसे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैंने जो 3D ऑब्जेक्ट बनाया है, इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे किसी एक साइड जो मेरे पास एक फेसेस है उसके अंदर मुझे एक्सट्रूड करना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे उसको क्लिक करूंगा और उसके बाद जितना एक्सट्रूड करना है मैं उसको उतना एक्सट्रूड कर पाऊंगा। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड वर्क, प्रेसफुल कमांड वर्क कर रहा है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे मुझे इस पूरी फेस को एक्सट्रूड करना है, तो मैं सिंपल सा इसको सेलेक्ट करूंगा और जितना मुझे एक्सट्रूड करना है मैं उतना इसको क्या करूंगा, एक्सट्रूड कर लूंगा। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर प्रेसफुल कमांड वर्क करता है। आई होप सो ओके। अब जरा समझते हैं यहाँ पर, देखिए अभी तक हमने देखा प्रेसफुल कमांड के थ्रू से यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहे थे। अब यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास जो प्रेसफुल कमांड है उसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। यस, यहाँ पर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बात करना चाहूँ सिंपल सा, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ये आप चाहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे इनर ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास होलो होना चाहिए। बेसिकली बात चाहे तो यहाँ पर जो इनर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मेरे पास सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेसफुल कमांड का भी वर्क का यूज कर सकते हैं। सिंपल सा प्रेसफुल कमांड के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ करना है पहले आप उसे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं सिंपल सा एंटर प्रेस कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास बात समझिए, यहाँ पर ये जो आपके पास छोटा वाला बॉक्स बना है मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा प्रेसफुल कमांड का यूज करूंगा। अब देखिए प्रेसफुल कमांड के अंदर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ उसको प्रेस करा था, तब मेरे पास क्या रहा था ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। यस, बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है सिंपल सा देखिए यहाँ पर प्रेसफुल कमांड के अंदर ये जो मेरा छोटा वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। बट मैं जैसे ही इसको नीचे की तरफ यहाँ पर क्रिएट करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पर नीचे की तरफ जितना क्रिएट करूंगा मैं उसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा, तो ये होलो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये होलो हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ पा चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रेसफुल कमांड का वर्क किया जा सकता है। प्रेसफुल कमांड के थ्रू आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप होलो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिंपल सा, तो देखिए प्रेसफुल कमांड का यूज किया मैंने। प्रेसफुल कमांड का यूज करते हुए देखिए पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लिया, उसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए आपके पास एक इनर फेस है, मैं चाहता हूँ ऊपर की तरफ मेरा होलो बनना चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा प्रेसफुल कमांड का फिर से यूज करूंगा। प्रेसफुल कमांड का यूज करते हुए जो भी मेरी फेसेस है उस फेसेस को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और फेसेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल सा एक्सट्रूड कर दूंगा। अब जरा बात समझते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड को, ऊपर से देखते हैं, जरा देखें इसको, तो मैं सिंपल सा इसको ऊपर से देखूंगा, तो ऊपर से देखने पर देखिए यहाँ पर एक होलो बन चुका है। यस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर होलो बन चुका है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर प्रेसफुल कमांड आपके पास दोनों तरीके से वर्क करता है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर सिंपल सा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है हॉलो बनाना है इस ऑब्जेक्ट को, तो मैं यहाँ पर हॉलो बना देता हूँ। सिंपल सा देखिए इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, जूम करता हूँ। अब देखिए मुझे सिंपल सा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा प्रेसफुल कमांड का यूज करूंगा, उसके बाद मेरे जो बाउंड्री है उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ डाउन किया यहाँ पर, फिर मैंने प्रेसफुल कमांड का यूज किया, आपके जो आउटर बाउंड्री है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल सा करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा अभी आपके पास एक्सट्रूड हो रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्क करना है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर आप इसे मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पे मूव कमांड का यूज करूंगा और मूव कमांड को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा। यस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके पास मूव हो जाएगा और दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास कर जाएंगे डिफरेंट डिफरेंस हो जाएंगे। आई होप सो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक्सट्रूड कमांड किस तरह से वर्क किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर प्रेसफुल के थ्रू एक्सट्रूड प्लस यहाँ पर बात की जाए सब्ट्रैक्ट कमांड दोनों यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर प्रेसफुल कमांड वर्क किया जा सकता है। क्लियर, तो अब यहाँ पर जो बात करते हैं इसका शॉर्ट कमांड वो इसका नेम है और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक्सट्रूड प्लस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं।
बेसिकली बात की जाए यहाँ पर जो इसका शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर इसका नेम है, जैसे आप इसका नेम एंटर करेंगे वो एलेक्स कमांड इनेबल हो जाएगा, या फिर आपके पास जो 2D ऑब्जेक्ट से जो आपके पास 2D ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे थे उस ड्रॉ कमांड के अंदर आपके पास हेलिक्स टूल देखने को मिलेगा और वहां से आप हेलिक्स को यहाँ पर इनेबल करके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर आप हेलिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं 2D में और यहाँ पर 3D दोनों में वर्क किया जा सकता है। बेसिकली बात करें यहाँ पर तो जैसे आप यहाँ पर हेलिक्स कमांड इनेबल करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले बेस है उसका यहाँ पर बेस का सेंटर पूछा जाएगा, उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर रेडियस देना पड़ेगा, आपके पास जो बेस है उसकी रेडियस या डायमीटर दे सकते हैं आप यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके पास जो टॉप है जो टॉप आपके पास जो सबसे ऊपर जो यहाँ पर सर्कल बनने वाला है उसका आप यहाँ पर रेडियस डायमीटर जो भी आप देना चाहे वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनको हम देखेंगे वन बाय वन ऑटोकैड के थ्रू। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू देखते हैं हेलिक्स टूल्स किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। ओके यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं, ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं हेलिक्स टूल्स किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद आपके पास हेलिक्स टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप हेलिक्स टूल को ले सकते हैं या फिर आप बाय कमांड भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इनेबल किया, इनेबल करने के बाद हमारे पास जो कमांड विंडो है वहां पर हमने देखने को मिला कि आप यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो सेंटर्स है वो आप यहाँ पर सेंटर दे दीजिए। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर स्पेसिफाई मैंने एक सेंटर दे दिया, सेंटर देने के बाद क्या हो रहा है कि आपके पास जो सबसे नीचे जो आपके पास जो सर्कल्स बनने वाला है उसका आप यहाँ पर बेस के अंदर जो रेडियस है या पे आप रेडियस दे सकते हैं या फिर बोला जाए यहां पर इसकी डायमीटर दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहां पर इसकी यहां पे क्या करने वाला हूं, सिंपल सा डायमीटर या रेडियस दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो यहां पर सिंपल सा मैंने 5 एंटर कर दिया, 5 एंटर करने के बाद क्या हो रहा है कि जो नीचे वाला जो सर्कल्स है वो यहां पे बन चुका है और उसकी यहां पर रेडियस मिल चुकी है। अब बात करें यहां पर जो आपके पास यहां पर टॉप के ऊपर लेके जाने वाले हैं उसके यहां पर रेडियस या डायमीटर आप दे सकते हैं। जैसे कि बात करना चाहूंगा यहां पर आपके पास जो रेडियस है वो आप जो चाहे वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा सिंपल सा, तो मैंने यहां पर इसकी जो रेडियस है यहाँ पर 8 प्रेस कर दी है और एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर रेडियस मिल गई है। अब आप जो इसकी हाइट रखना चाहते हैं इस हेलिक्स की वो आप यहाँ पर हाइट को रख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ मैं इसकी हाइट को बेसिकली 10 रखना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं बेसिकली 10 इसकी हाइट को रख सकता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो हेलिक्स है वो यहाँ पर बन चुका है। अब देखा जाए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कौन सा है, 3D ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पर 2D के अंदर स्किप किया था क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास 3D के अंदर बनता है और बेसिकली बात करें ये प्रॉपरली वर्क 3D के अंदर होता है। क्लियर? अब जैसा बात करते हैं यहाँ पे हेलिक्स के अंदर कौन कौन से कमांड देखने को मिलते हैं उन सभी के बारे में वन बाय वन देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर देखिए जब हमने स्विफ्ट कमांड का यूज किया था और स्विफ्ट कमांड के थ्रू हमने हेलिक्स को बनाया था 3D के अंदर, तो वो किस तरह से बनता है उसको यहाँ पर जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए सिंपल से मैं क्या करूंगा, जहां पे भी मुझे यहाँ पर हेलिक्स के अंदर, जैसे मुझे ये हेलिक्स है, इस हेलिक्स के अंदर मुझे यहाँ पर इसको स्विफ्ट कमांड के थ्रू इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके हेलिक्स के ऊपर जाऊंगा यहाँ पर जो इसका कॉर्नर्स है उस कॉर्नर को यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लूंगा जो भी मुझे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। तो बेसिकली बात करी जाए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करते हुए मैं जा रहा हूँ इसके पास और इसके पास जहाँ ये स्क्वायर कॉर्नर्स के ऊपर जो भी मुझे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉलीगन्स को ड्रॉ करूंगा, पॉलीगन्स को ड्रॉ करूंगा, 6-sided पॉलीगन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका जो कॉर्नर पॉइंट है उसको कॉर्नर पॉइंट को पकड़ते हुए या फिर आपके पास उसके आसपास ही आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और जितना आपको यहाँ पर रखना है उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसका जरा ध्यान रखिएगा कि हेलिक्स की जो आपने हाइट रखी है उस हाइट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आप यदि हाइट से ज्यादा यहाँ पर पॉलीगन्स को बनाते हैं तो वो पॉलीगन्स आपके पास नहीं बनता है, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। फिर मैं क्या करूंगा स्विफ्ट कमांड का यूज करूंगा, स्विफ्ट कमांड का यूज करते हुए जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद जो मेरे को पाथ है मैं उस पाथ को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा हेलिक्स जो है वो बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, यदि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप स्विफ्ट कमांड के थ्रू उसको रोटेट करा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करवा रहे हैं, वो हाइट आपके पास जो आपके हेलिक्स की हाइट है उससे एक्सटेंड हो गई है तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँ सिंपल सा, तो अभी मैंने यहाँ पर जो यहाँ पॉलीगन्स बनाया है इसकी हाइट मैंने बहुत ही यहाँ पर स्मॉल रखी है। यदि मैं इस पॉलीगन्स की हाइट को यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, देखिए मेरे पास जो टोटल हाइट है, यस वो टोटल हाइट कितनी है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पे देखिए मैं हेलिक्स की जो यहाँ पर इंस्क्राइब सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे जो इसकी हाइट, यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर थोड़ी बढ़ा देते हैं और यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ओके यहाँ पे 5 कर दिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो बन गया। अब मैं यहाँ पे स्विफ्ट कमांड का यूज करूंगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सेलेक्ट किया, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद देखिए मैंने इसका पाथ को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। रीजन क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप यहाँ पर हेलिक्स के अंदर स्वैप करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके पास एक्चुअल जो यहाँ पर हेलिक्स की हाइट है उससे बराबर है या कंपैरेटिवली उससे ज्यादा है, यस बात की जाए यहाँ तो उसके बराबर है या उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वो प्रॉपरली हेलिक्स के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर? यदि आपकी जो हेलिक्स की हाइट है उससे यहाँ पर कंपैरेटिवली छोटा होगा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आपके पास जो हेलिक्स है वो यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर? जैसे कि आपने देखा हमने कि किस तरह से यहाँ पर हमने हेलिक्स के अंदर यहाँ पर वर्क किया था, तो यहाँ पर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा पॉलीगन्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पॉलीगन्स को यहाँ पे यूज किया, यस पॉलीगन को यूज किया, जो भी मेरे साइड से उसको मैंने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया छोटा सा पॉलीगन्स बना लिया एक,
यहां पर, जैसे कि मैंने बात करूं यहां पर छोटा सा यहां पर पॉलीगन्स बना लेते हैं, ओके कंट्रोल जेड, पॉलीगन्स को यूज किया, सिक्स साइडेड पॉलीगन्स लेना है मुझे यहां पर, और इंस्क्राइब द सर्कल जो भी आपको लेना है वो यहां पर ले लिया है मैंने, और यहां पे मैं ले जाके एंटर प्रेस कर देता हूं। अब मैं यहां पे स्विफ्ट कमांड का यूज करूंगा, स्विफ्ट कमांड का यूज करते हुए जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद जो पाथ है उसको भी प्रेस करूंगा, और यहां पे मेरा जो हेलिक्स है वो यहां पर रेडी हो चुका है। क्लियर। अब देखिए हेलिक्स कमांड के अंदर हमें कौन कौन से और टूल्स देखने को मिलते हैं, उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बात करें यहां पर देखिए सिंपल सा हेलिक्स को यहां पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद मुझे जो सेंटर देना है मैं यहां पर बेसिकली उसका सेंटर प्रेस कर देता हूं। उसके बाद बात करें यहां पर रेडियस या डायमीटर जो भी आपके पास बेस की देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहता हूँ 5 की या 4 की एंटर कर देते हैं, तो मैंने 4 की बना लिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो अपर डायमीटर्स है, जो टॉप की डायमीटर्स है, वो यहाँ पर आप देना चाहेंगे या रेडियस देना चाहेंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आप इसे 4 की भी दे सकते हैं। यदि आप एक कंसेंट्रेटिव सर्कल्स बनाना चाहते हैं, एक साथ एक ही सर्कल के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप जो डायमीटर्स है रेडियस है आप वही रखिए, या फिर आपको जो चेंज करनी है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैं सिंपल सा 8 कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन देखने मिलते हैं, उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है एक्सेस एंड पॉइंट, एक्सेस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो हेलिक्स है वो यहाँ पर आप जहां जिस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करना चाहेंगे उस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे आपके पास टॉप था वो टॉप के अंदर था, लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, जहां आपके पास मूव करना है वो आपके पास मूव कर पा रहे हैं। क्लियर। और आपके पास जो हेलिक्स है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। क्लियर। और जब आप देखते हैं फिर से हेलिक्स के अंदर, तो सेंटर फॉर बेस दे दिया यहाँ पर, उसके बाद रेडियस दे दी, उसके बाद मैंने अपर रेडियस दे दी। अब देखिए बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं यहाँ पर, तो अभी आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, यहाँ पर 3 है। यदि आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, यस, उसके लिए आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा टी एंटर करना पड़ेगा। टी एंटर करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स अभी यहाँ पर कितनी है, 3 है। लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाए, 5 हो जाए, तो सिंपल सा आप यहाँ पर 5 एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके जो वर्क की रिक्वायरमेंट है आप उसके अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा 5 एंटर किया। 5 एंटर करने के बाद देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो यहाँ पर बेसिकली 5 हो चुके हैं। क्लियर। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर है दूसरी टर्न्स हाइट की, तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, एच एंटर करना पड़ेगा। एच एंटर करने के बाद यहाँ पर जो टर्न्स की हाइट है वो यहाँ पर है 4.7 है। यदि आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली मैं यहाँ पर 5 एंटर कर लेता हूँ, 5 एंटर करने के बाद देखिए आपके जो टर्न्स की हाइट है वो यहाँ पर बेसिकली 5 हो चुकी है। अपर जो आपके पास टर्न्स है और लोअर जो टर्न्स है उन दोनों के बीच की जो हाइट है वो यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 5 हो चुके हैं। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अभी देखिए फिर से हेलिक्स कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं। हेलिक्स कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आपने जो बेस डायमीटर है वो दे दिया, अपर डायमीटर्स है वो आपने दे दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ट्विस्ट के लिए, तो ट्विस्ट के लिए डब्ल्यू एंटर करना है। यहाँ पर आप जो ट्विस्ट है वो एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज आपको जो डायरेक्शन के अंदर देनी है वो दे दीजिए। तो अभी आपकी जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे सीसीडब्ल्यू है। आप इसे क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज दे सकते हैं। तो अब आपकी जो यहाँ पर ट्विस्टिंग है वो यहाँ पे बेसिकली बात देख पा रहे हैं, क्लॉकवाइज हो चुकी है। यस, बेसिकली बात कर देखिए आपका जो ट्विस्टिंग है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो चुकी है। यस, और यदि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट लिया, एंटर किया, अभी यहाँ के बाद देखिए इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद बात करें ट्विस्ट के ऊपर, ट्विस्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज यूज किया, एंटी क्लॉकवाइज यूज किया, तो आप यहाँ पर एंटर करें तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो यहाँ पर टर्न्स हो रहे हैं वो यहाँ पर आपके पास इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहे हैं। लेकिन दूसरे के अंदर आप देख पा रहे हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं वो जो टर्न्स हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। क्लियर, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा बेसिकली। तो इस तरह से आप यहाँ पर हेलिक्स को यहाँ पर बना सकते हैं जैसे आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट है। देखिए बेसिकली बात की जाए तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर हेलिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होता है, क्योंकि वहां पर आपको यहाँ पर मैकेनिकल स्प्रिंग्स बनानी होती है। यस, या फिर बात करूँ यहाँ पर स्प्रिंग सिस्टम बनाना होता है, तब यहाँ पर आप हेलिक्स कमांड का यूज कर सकते हैं और हेलिक्स कमांड के थ्रू यहाँ पर स्प्रिंग सिस्टम बना सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर हेलिक्स कमांड किस तरह से वर्क करना है और किस तरह से हेलिक्स कमांड का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। क्लियर, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।